और इनकी किसी भी प्रतिज्ञा पे या कोई और कोई चर्चा ओपन इन्हीं विषय पे आज के दिन के विषय में, और कोई परियार प्रश्न? साहब, जी परियार साहब, जी जी जो धम्म बाबा साहब ने दिया है उसकी दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, जी क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ये मान के चलते हैं कि हमें धर्म की आवश्यकता नहीं है या हम इस धर्म में नहीं जाते, वो इसको धर्म मानते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो पुराना मत है, जो हम पुराना मानते हैं, हम उसको क्यों बदलें। वो बहुत ज्यादा उसमें अपना मानते हैं तो इस कारण से बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन रहता है। यहाँ दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं, क्योंकि बाबा साहब ने तो एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है उसके ऊपर, लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसकी किताबें जगह जगह हैं, उसको नेट पर भी है। मगर दो छोटी जो साधारण बात है वो ये है कि बाबा साहब ने जो ये धम्म दिया है या बुद्ध ने जो ये रास्ता बताया है, इसके दो फायदे हमें होते हैं, क्योंकि कोई भी काम कम से कम तब तक नहीं करना चाहिए जब तक हमें उसका फायदा ना हो, और अगर नुकसान हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये हमारी सहज बुद्धि बोलती है। तो धम्म में जो पहला हमें फायदा होता है वो हमें होता है कि कोई व्यक्ति अगर धम्म में जाके अपने आप को पापों से मुक्त करना चाहता है, अपने जीवन को सुचारू रूप से, अपने जीवन को सदाचार से चलाना चाहता है, अपने परिवार को पापों से मुक्त करना चाहता है, अपने आप को हमेशा के लिए पापों से मुक्त करना चाहता है, तो धम्म उसमें सहायक है। वो व्यक्ति को शुद्ध कर देता है, परिवार को शुद्ध कर देता है, क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने पांच बातें बताई हैं, या सिद्धार्थ गौतम ने या बुद्ध ने पांच बातें बताई हैं, जो बड़ी साधारण है कि चोरी नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और हत्या नहीं करनी है। ये जीवन में आदमी को बदल देती है, ये मुक्ति का मार्ग खोलती है। मगर कोई व्यक्ति अगर मुक्ति के मार्ग में यकीन ना करे, पाप से मुक्त होना ना चाहे, तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो दूसरी तरह से भी फायदा करता है। फायदा इसलिए करता है कि जिस देश के लोग, जिस परिवार के लोग या जिस संघ के लोग या जो बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका कोई एक मत हो जाता है और वो उनका अपने पिता का, अपने दादा का मत रहता है और वो उस मत में रहते हैं, तो इसको समज्जय बोलते हैं। समज्जय का मतलब है इकट्ठे होना, जिससे सामाजिक बना है। यानी बाबा साहब ने जो हमें दिया है, जो बताया है रास्ता, वो दो तरह से काम करता है। एक तो कोई व्यक्ति अगर पाप से मुक्त होना चाहे तो हो जाए, और अगर नहीं होना चाहता है तो वो बुद्ध के नाम से, धम्म के नाम से इकट्ठा हो जाए। अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो उसका समाज बन जाता है, और ये समाज उसका पूरी दुनिया में सबसे बड़ा समाज रहता है, क्योंकि बुद्ध की जो पहुंच है और बुद्ध की जो रीत है वो पूरी दुनिया में है। एक सोचने वाली बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो हर बार ये कहते हैं कि जी विदेशी जो चीज होती है बहुत बढ़िया होती है, हमारे देश में सारी विदेशी कार हैं बहुत बढ़िया हैं, विदेशी कैमरे हैं बहुत अच्छे हैं, विदेशी मोबाइल हैं बहुत अच्छे हैं, विदेशी लोगों को हम बहुत इज्जत देते हैं, विदेशी लोगों को ये मानते हैं कि विदेशी लोग बड़े जानकार हैं, विदेशी लोग हमारे बहुत ज्यादा अकलमंद हैं, और हम विदेश में जाने के लिए लाइन लगाकर उनके वीजा के लिए उनके एम्बेसी पर खड़े रहते हैं कि हमें हमारा कहीं विदेश में नंबर आ जाए। भारत के अच्छे अच्छे जो जानकार पढ़े लिखे लोग हैं या जो IIT IIM में जो लड़के पढ़ते हैं, जो टॉप की क्लास के हैं या जो डॉक्टर बनते हैं, वो भी सब एम्बेसियों की लाइन में लगे रहते हैं, खासतौर से अमेरिका और खासतौर से इंग्लैंड की लाइन में, ऑस्ट्रेलिया की लाइन में, जर्मन की लाइन में, कि उनको कैसे वहां वीजा मिल जाए और वो वहां चले जाए। वो मानते हैं कि विदेशी लोग बहुत अकलमंद हैं और विदेश के अंदर जितने भी लोग हैं वो बहुत समझदार हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी चीजों को चुनते हैं। तो सोचने वाली बात है उन लोगों के लिए कि उन लोगों ने बुद्ध को चुना और पूरी दुनिया में विदेश के अंदर बुद्ध की बहुत मान सम्मान है और बुद्ध का बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि उनका साइंस बहुत अच्छा है। और बहुत सारे देशों का तो धम्म ही बुद्ध का हो गया है, यानी कि उन देशों के अंदर धम्म बुद्ध का चलता है, और पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका के अंदर अब बुद्ध बहुत तेजी से फैल रहे हैं और अफ्रीका के अंदर भी आ गए। तो अगर ये बात सच है कि विदेशों में सारे लोग बहुत बढ़िया होते हैं, अकलमंद होते हैं, तो हमें ये बात माननी चाहिए कि उन अकलमंद लोगों ने हमारे देश से एक ही चीज चुनी और वो बुद्ध को चुना, यानी कि जो सबसे बढ़िया चीज थी वो चुन के ले गए। इसलिए जब कोई ये कहता है कि जी बुद्ध भारत में नहीं चले और बुद्ध विदेशों में बहुत चलते हैं, तो इसका क्या कारण है, तो हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो समझदार लोग, वो कहते हैं कि देखो जी, जो बढ़िया माल होता है उसको विदेशी लोग ले जाते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, घटिया यही रह जाता है। इसलिए जो धम्म दिया बाबा साहब ने, वो ये सोच के दिया कि कोई अगर धम्म में अपने पापों से मुक्त ना भी होना चाहे,
करुणाशील प्रज्ञा में ना आना चाहे तो कम से कम वो समाज के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, तो दुनिया के जितने देशों से जुड़ जाएगा और उसको बड़ा फायदा होगा। तो जो लोग धम्म में इस कारण से नहीं आना चाहते कि हम क्यों अपना पुराना मत छोड़ें, कोई बात नहीं, वो अपना सोचें समझें देखें जानें परखें, मगर इस धम्म को कम से कम इसलिए मान लें क्योंकि विदेशों में इसकी बहुत इज्जत है। विदेशी लोग भारत से इसी को लेकर जाते हैं, भारत से और कोई चीज इतनी बढ़िया एक्सपोर्ट नहीं होती, इतनी ज्यादा मान सम्मान नहीं है। और वो जब भारत में, भारत से बाहर जाएंगे और ये कहेंगे कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, तो उनको वहां एक समाज मिलेगा, एक पूरा परिवार मिलेगा, जिससे उन्हें बहुत फायदा वहां होगा। और यहाँ भी अब परिवार बहुत बड़ा हो गया है बुद्ध का, तो यहाँ भी परिवार डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो कम से कम वो समाज में रहेंगे तो फायदा रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सुधीराज जी। नेक्स्ट कौन जो मोतीलाल अहरवाल जी भी, उनकी कमी रह गई थी, कुछ कह रहे थे कुछ 5 मिनट और टाइम दें उनको। सुन रहे हैं मेरी बात मोतीलाल अहरवाल जी? शायद जुड़े नहीं है, चले गए हैं। अरे यार जी, बड़ादास हैं, रतिलाल देसाई जी, उनको भी ले लीजिए। हाँ रतिलाल देसाई जी, आप 5 मिनट बताएं। वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। है तो सही मोतीलाल जी, जुड़े तो हैं। रतिलाल देसाई जी आप बोले 5 मिनट, वेलकम, आप आइए। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और बाबा साहब ने आज का दिन चुना था तो उसका संदर्भ भी ऐतिहासिक लिया था 15 वर्षों के साथ। और हम लोग बुद्ध का जो धर्म है उसने जो रथ बताया हुआ मार्ग है वो साइंटिफिक है, उसमें कोई जो एंड टो वाली बात नहीं है, तर्कशील है, तर्क के साथ जो सही है उसी को अपनाइए। उसने कहा सबको कि जो अनुभव करो और अनुभव के आधार पर जो आपको सही लगे वो स्वीकार करो। कोई कहता है इसलिए उसको स्वीकारना, कहीं लिखा है इसलिए उसको स्वीकारना, ये सही नहीं है। जब तक खुद अनुभव करो। और इसीलिए विपश्यना में भी जब हम लोग जाते हैं विपश्यना करने तो वहाँ गुरु जी गोयनकोट जी का हर रोज रात को बौद्धिक होता है, रात को उनका धर्म प्रवचन होता है। वो तो धर्म प्रवचन में 10 दिन के धर्म प्रवचन में सभी बात बता देते हैं कि बुद्ध ने क्या बताया, क्या कहा, क्यों कहा। और विपश्यना एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको अगर कोई भी व्यक्ति जीवन में अपना लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता ही है, उसको सुख शांति मिलती है। और जैसे अभी सुधीर जी ने कहा वैसे ही दुनिया ने बुद्ध को अपनाया है। हम लोग सब जानते हैं कि यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, सब कंट्री में जो अच्छी चीज है वो लोग तुरंत स्वीकार लेते हैं। और बुद्ध ने जो दिया है वो बिल्कुल ही जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बुद्ध ने हमें सील, समाधि और प्रज्ञा का मार्ग बताया है। और आप सब लोग जानते हैं कि जो भी आदमी सील का पालन करेगा तो उसको लाभ मिलना ही मिलना है। तो मैं मानता हूं कि जितने भी हमारे साथ जुड़े, जो भी लोग ये वी द पीपल के साथ जुड़ेंगे उनको बुद्ध से बहुत सीखना है, बाबा साहेब से भी बहुत सीखना है, क्योंकि हम लोग इतने संपूर्ण नहीं है। हम लोग संपूर्ण नहीं हो सकते जितना हमारे महामानव रहे। तो आज का बहुत ही ऐतिहासिक दिन है
और आज के दिन हम सब ने बाबा साहब की ली हुई 22 प्रतिज्ञा का आज का संकल्प लिया कि हम ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं और इसका पालन करेंगे, और तीसरा भी हमने स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि हम लोग सब आज के आज से ही पूरे तन मन धन से हम धम की सेवा करें और धम को आगे बढ़ाए, धम के मार्ग पर चले। साधुवाद। सभी धम बंधुओं को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी यहाँ पे एकत्रित हैं। तथागत बुद्ध को 528 ईसा वर्ष पूर्व वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने ज्ञान को सर्वप्रथम उन्होंने जो है इसी पत्तन जो अब सारनाथ कहलाता है, जो कि वाराणसी में है, अपने 5 प्रवर्तकों को आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ज्ञान दिया, जिसको कि हम सभी लोग धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। भगवान बुद्ध को प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव किया उन्होंने, जो सत्य को जाना उन्होंने, उस सत्य को सबको बताया। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही ईसा पूर्व 3री सदी में सम्राट अशोक ने धम्म को अपनाया तथा उन्होंने धम्म को देश ही नहीं अपित देश के बाहर कई देशों में धम्म को पहुंचाया, जिस धम्म का लाभ वहां के लोग सुखपूर्वक उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश से धम्म चला, उसी देश से धम्म नष्ट हो गया, देश में धम्म को नष्ट कर दिया गया, धम्म देश से विलुप्त हो गया, और इस कदर विलुप्त हो गया कि किसी को पता ही नहीं रहा कि इस देश में धम्म था कभी। जब 1835 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान जगह जगह खुदाई करवाई, तो जहां भी खुदाई करवाते वहीं बुद्ध मिल जाते। तब अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म का जन्म जो है वो भारत में ही हुआ है। एक ऐसा धर्म जो सबको सुख प्रदान करता हो, उस धम्म का जन्म भारत में हुआ और वो धम्म लुप्त हो गया, लोगों ने उसका विनाश कर दिया। लेकिन 1890 में श्रीलंका के अनागरिक धम्मपाल जब भारत आए, तब उन्होंने पुनः देश में धम्म का प्रचार शुरू किया। लेकिन धम्म की गति धीमी बनी रही। जब बाबा साहब ने धम्म को पढ़ा, तब उन्हें लगा कि और किसी धम्म से हमारा भला होने वाला नहीं है, और किसी धम्म में रह के हम प्रगति नहीं कर सकते हैं, हमारा विकास नहीं हो सकता है। अभी खोला है। तब बाबा साहब ने निर्णय किया कि हम धम्म को अपनाएंगे, और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा ली, जिसे हम दीक्षा भूमि के नाम से सब लोग जानते हैं। बाबा साहब ने जो धम्म विलुप्त हो गया था इस देश से, उसको पुनर्जीवित कर दिया। एक तरफ
एक ऐसा धम्म था जो ये कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और एक तरफ भगवान का धम्म है जिसमें भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ, तुम्हें मैं मुक्ति का मार्ग बताऊंगा, यदि तुम उस मार्ग पे चलोगे तो मुक्त हो जाओगे। कितना स्पष्ट है ये धम्म, कितना सरल है ये धम्म जो भगवान ने हमें दिया है। अगर हम सभी भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो निश्चित रूप से हम सब का जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने जो सील दिए हैं ऐसे सील हैं जो हमें जीना सिखाते हैं। हम सब यहाँ आज इस मीटिंग में बैठे हैं, अगर हेलो जितने भी लोग आज हम सब यहाँ हैं यदि आपस में हेलो एक दूसरे को कभी हानि ना पहुंचाएं, एक दूसरे का कोई भी सामान बगैर दिए हुए ना लें, हमारे मन में काम मिष्टाचार की भावना न डेवलप हो, अर्थात उम्र के हिसाब से हम माँ बहन बेटी का सम्मान करें, एक दूसरे से कभी हम झूठ ना बोलें। हेलो क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब? हाँ ये सर, ये वीडियो हमारी स्टॉप कर दी गई है तो वीडियो नहीं आ रही है। ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब अपना ऑन रख। हाँ ठीक सर, उम्र के हिसाब से हम माँ बहन बेटी का सम्मान करें, हम सब एक दूसरे से कभी झूठ ना बोलें, तथा शराब मदिरा नशीली चीजों का सेवन न करें। तो यहाँ जितने भी लोग हैं उन सब के बीच कैसा वातावरण का निर्माण होगा, किस तरीके का समाज का निर्माण होगा हम समझ सकते हैं। निश्चित रूप से जब धम्म इस देश में अपने चरम पे था तो लोग कहा करते थे कि यह सोने की चिड़िया है, इस धम्म में कहीं भी ताले नहीं बंद होते हैं। वो सिर्फ इसीलिए नहीं बंद होते थे कि धम्म इतना बढ़िया संदेश देता है, भगवान का सील इतना बढ़िया संदेश देता है कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम सभी लोग भगवान के दिए हुए धम्म को अपनाएंगे, हम सब मिलकर जुड़ेंगे और जोड़ेंगे और पुनः धम्म का विकास करेंगे और ये देश धम्म में होगा। बहुत बहुत साधुवाद। साधु थैंक यू। साधु को भी बाबा साहब के बारे में याद नहीं है तो ये बड़ा हमारे लिए दुख की बात है। सर टाइम लगेगा लोगों को धीरे धीरे समझने में, और आप हौसला बनाए रखें, हम सब हौसला बना के रखे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। जो भाई साहब ये बात नहीं समझ रहे एक दिन उसको ऐसी ठोकर लगेगी, ऐसा कुछ एहसास होगा फिजिकली चारों तरफ से, तो उसको अपनी तरफ आना पड़ेगा, अपने लोगों की तरफ आना पड़ेगा, अपनी समझ की तरफ आना पड़ेगा। ये जोश और ताकत या कहिए इस प्रकार की सोच ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, इसलिए कहते संघ के साथ जुड़े। तो सर आप चिंता ना करें, मैं इस डिपार्टमेंट में इसमें रह चुका हूँ 22-23 साल ऐसे साथियों के बीच में। आप चिंता ना करें, जब दुख आता है तो वो अपने लोगों की तरफ भागता है और अपना लोग ही उसको प्रोटेक्ट करता है। मैं जब अपनी सर्विस में था तो मेरा जो गनर था प्रोटेक्शन होते तो मेरे अपने लोग ही होते थे, चार होते थे, दो अपने ही रखता था, और उनके ये क्लियर कट होता सर जो भी हो जाएंगे हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो आप निश्चित रहे सर, इस प्रकार की चीजें जल्दी दूर हो जाएगी, ज्यादा देर नहीं चलेगी, और हम अपना प्रयास जारी रखें सर। थैंक यू। प्रयास तो जारी है सर, प्रयास जारी है, वो बात नहीं कह रहा, लेकिन ये लोग पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं
सर, 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 सर क्या होता है ना कि जो बचपन से जो बच्चे रहते हैं ना उनके लिए एक ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उनके जहन में घुस जाती है ना, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि उनको जो अपन समझाना चाहते हैं वो समझ जाते हैं। तो क्या होता है जो कीड़ा अंदर घुसेड़ दिया जाता है बचपन से परिवार से, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। मैंने सबको लिटरेचर निकाल निकाल के दिया, एक लाइन भी नहीं पढ़ा तीन साल में, क्या करे उन आदमियों का बताओ, क्या करे। कोई 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 बात नहीं, अभी ये समय हमको है, निराश नहीं होना सर, हमको निराश नहीं होना है, हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। अभी आगे चलना सर, डॉक्टर रंजना जी हैं, डॉक्टर रंजना अगर आ गई हैं तो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। डॉक्टर रंजना जय भीम सर। हाँ जय भीम मैम। सर कल भी थी मैं मीटिंग में, बस अभी आप लोगों को सुन ही रही थी। वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज, आपका हो सकता है तो। हाँ जी जी। हाँ सर, ये यूनियन और हम हाउसवाइफ्स लोगों के लिए थोड़ा सा घर के काम और सबके कारण थोड़ा चले गई थी मैं चालू करके, सॉरी। अच्छा, सर हाँ जी सर, बस अभी आप लोगों को मैं सुन ही रही थी कि लोग जुड़ते नहीं हैं और ये सर एक्चुअली क्या है कि हमारे जो समाज के लोग हैं ना, ये बहु मूल निवासी लोग, और ये इनका क्या है कि इनको धर्म की अफीम इस तरीके से पिलाई गई है ना कि ये उससे छूटना भी नहीं चाहते। तो मेरा ये है कि मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप इजाजत देते हैं तो रखती हूँ कि सर इनके धर्म को अभी आघात ना करके इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे हम भी इनको अपने बाबा साहेब के जो प्रतिज्ञाएं हैं उसके साथ धीरे धीरे इनको जोड़ते हैं। इतना पेशेंस तो हमको रखना पड़ेगा सर। और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स है, उनको हम धीरे धीरे फेस करें और एक समय आएगा कि डेफिनेटली ये भी समझेंगे आपके संघ को और आपकी विचारधारा को और जुड़ेंगे डेफिनेटली लोग। अभी इतने जल्दी हम निराश ना हो, यही मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ठीक है जिस भी भगवान को वो मानते हैं धीरे धीरे हम भी उनको अपने तरीके से मोल्ड करेंगे, ऐसा है मेरी ये विचारधारा है सर। बहुत अच्छा विचार आपका, बहुत अच्छा विचार। एटलीस्ट ये आपके मंच पे आए तो जुड़े तो पहले, ये है मेरा विचार जी। बहुत अच्छी बता रहा आपने मैम, अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना। मैं एक और बता रहा था, मोबाइल नंबर जी। सर सत्यवान हूँ, तीन साल हो गए दुर्गा पूजा पे आपसे कंपलसरी वो चंदा लेंगे लेंगे, और आप मना करेंगे तो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं, जबकि मैं चंदा नहीं देता हूँ। मैं बोला यार मेरे पास, पहले तो बोला हम बिलीव नहीं करते, क्यों आप करिए ना करिए आप चंदा दीजिए, बोल रहे हैं क्यों दीजिए, बोले यार रह रहे हैं, रह रहे हैं तो क्या तेरे बाप का है क्या, रह रहे हैं तो क्या मतलब रह रहे हैं, तो वो बोलते हैं रोड हमारा है, पानी हमारा है, सड़क हमारा है, बिजली हमारा, आप क्यों नहीं देंगे, तो बोलो क्या करोगे। पढ़े लिखे जी सर, जी सर, तो पहले पहले प्रियम्बल करा लिया जाए सर। तो प्रियम्बल करवाइए, कौन कौन है जो प्रियम्बल कर सकते हैं इस टाइम, अपनी इच्छा से अपना नाम रखे, कोई नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा, पहले पूछ लीजिए। हाँ कोई प्रेमल के लिए तैयार है तो सर आइए आगे और अपना नाम बताइए। मैं भी तो कर सकता हूँ सर। शर्मा जी आप पढ़ रहे हो क्या, बताइए सर, पर्चे पर्चे दी दीजिए तो हेलो जी सर बोलिए। हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। सर कुछ लोगों के माइक जो है वो बोलिए उनको जो है म्यूट कर दें, कुछ लोगों के माइक खुले हुए हैं बोलिए उनको म्यूट कर दें।
हेलो, अभी जिन साथियों ने प्रियम्बल के लिए अपना नाम दिया था वो प्लीज आए और अपना परिचय दें पहले। मैं विनय कुमार। हेलो जी, बोलिए। मैं सर विनय कुमार, एग्जीक्यूटिव कासिमपुर पावर हाउस अलीगढ़ से। जी सर, क्या मुझे इजाजत है उद्देश्य का पढ़ने की? जी सर बोलिए, आपकी इजाजत है, बिल्कुल सर आप पढ़िए। जी, मैं सर विनय कुमार वर्मा। उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग थी शुक्ला संपत्ति कुमार 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय भीम, जय संविधान। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आज पहली बार किया सर मैंने? बहुत अच्छा, नहीं पहली बार किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत साधुवाद आपके लिए। सर अगर इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहता हूँ, वो इंग्लिश का है, जल्दी से सुना दूंगा अगर इजाजत हो तो। तो जल्दी कीजिए और अपना परिचय दीजिए पहले। सर रणसिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा याद है तो मैं वो पूरा सुनाना चाह रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इट इनटू सेकुलर डेमोक्रेटिक सॉवरन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गिव इट टू इट्स सिटीजन जस्टिस of social, economic and political liberty, liberty of thought, faith, expression, worship, equality of status and opportunity, fraternity, ensuring dignity of individual and unity and integrity of the nation. In this constituent assembly on this day 26th of November 1949, hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Thank you, sir. बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। किसी का नए साथी जो आए हों वो अपना प्लीज हैंडरेज करें तो बोलने में आसानी रहेगी। प्लीज हैंडरेज किसी का नहीं हो रहा अभी तक, तो मैं चाहूंगा कि जो हैंडरेज करें। आरके बोल जी, जी सर। एमएस भाटिया जी अपना परिचय देंगे। जी बुलाइए सर, बुलाइए। हेलो हेलो, एमएस भाटिया जी आइए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम बुद्धाय भाटिया सर। जय भीम नमो बुद्धाय। आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? आवाज आ रही सर, आपका वीडियो ऑन नहीं हो रहा। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय सर। माई सेल्फ एस एम भाटिया जी। जी सर। हाँ, यहाँ चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ हाईकोर्ट में। हेलो जी सर, आपका वीडियो ऑफ है सर, वीडियो ऑन हो सकता है क्या? आपकी आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो बोलिए सर, बोलिए। हाँ जी, वीडियो ऑन कर दूँगी करते रखा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही सर, बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम एस एम भाटिया है जी, चंडीगढ़ में हूँ मैं, वकालत करता हूँ यहाँ हाईकोर्ट में, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। हेलो, हाँ जी, वकालत करता हूँ यहाँ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में। बोलते रहिए, आवाज आ रही है सर आपकी।
हाँ जी ठीक है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम वी द पीपल, और इसको बहुत आई लाइक इट वेरी मच, और कोशिश करूंगा मैं आगे बहुत से उन कपड़े मिलने जुलने वालों को जोड़ने के लिए इसके साथ। ठीक बहुत अच्छा सर। हाँ जी बहुत अच्छा सर बहुत। हाँ जी थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू, बहुत धन्यवाद। वकील साहब अपना नंबर छोड़ दीजिए चैट बॉक्स में। वकील साहब हाँ जी मैंने छोड़ा हुआ पहले से ही नंबर अपना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी थैंक यू वेरी मच। ओके अरुण कुमार जी अगर आवाज सुने तो आए प्लीज। अरुण कुमार जी हैं क्या? नहीं है जी सर। अरुण कुमार जी आए हैं क्या? आ गया हूँ सर। हाँ जी बोलिए सर, आप बोलिए अरुण कुमार जी बोलिए, पर्चा दीजिए सर। सभी को नमोबुद्धाय। नमोबुद्धाय सर। अरुण बोल रहा हूँ पानीपत हरियाणा से। जी सर बोलिए। वर्किंग इन आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी। आप बोलते रहिए सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलते रहिए। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है बिल्कुल सर। पानीपत रिफाइनरी में जॉब करता हूँ सर, पानीपत हरियाणा से बोल रहा हूँ। आप बोलते रहिए सर, आपकी आवाज आ रही है यहाँ तक। ओके सर, ओके ओके। बोलो भाई, कोई बाबा साहब के बारे में बोलो, कुछ धर्म के बारे में बोलो, कुछ विदी पीपल के बारे में बोलो। क्या करते हैं आप, कुछ तो बताइए। मैं सर वर्किंग करता हूँ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, पानीपत रिफाइनरी पानीपत। कुछ धर्म का काम भी करते हो तो बताइए। धर्म का भी काम करता हूँ। बताओ। बाबा साहब की अंतिम इच्छा घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, उसमें आप क्या योगदान कर रहे हैं वो बताइए ना अपना इंट्रोडक्शन। उसमें सर धम प्रचार करता हूँ, धम से लोगों के कार्यक्रम करवाता हूँ, जो धम प्रचारक के काम होते हैं शादी विवाह जन्मदिन बौद्ध रीति से। जी सर बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। जी 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 डॉक्टर साहब, कोई और साथी ऐसे नए आए हों उनका इंट्रोडक्शन ना हुआ हो तो, साथी नए हो तो इंट्रोडक्शन अपना हैंडरेज करें प्लीज। ये नूतन, ये नूतन बॉडी से है नूतन। ये राज, ये राजकुमार जी के यहाँ से बराबर डिस्टर्बेंस हो रहा है, ये हमारे चार पांच को होस्ट बने हुए हैं, ये क्या क्या ड्यूटी निभाते हैं सर? ये मेरा ये प्रश्न पहले भी रहा है, ये जो को होस्ट हमारे साथी हैं इनकी जिम्मेदारी ये बनती है कि ये जो डिस्टरबेंस होता है, राजकुमार जी के यहाँ से बराबर मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ डिस्टरबेंस हो रहा है, लेकिन कोई भी साथी उनको अनम्यूट नहीं कर पा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा सर। सर दो बार बंद कर चुके उनको, ऐसे व्यक्ति को अगर ज्यादा करते तो होल्ड कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग ना तो संघ में काम करने वाले लोग हैं, न संघ को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, ये केवल डिस्टरबेंस करने वाले लोग हैं। घर में कुछ लड़ाई हो रही है, बातें हो रही, बच्चों को डांट रहे, इनको ये भी नहीं पता है कि ये इंडिया के, पूरे इंडिया के लोग, इंटरनेशनल लोग जुड़े हैं, और जुड़ करके हमारी अपनी क्या इमेज जाती होगी बाहर के, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। भाई अनुशासन तो बना कर रखिएगा, बना रखे, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी क्या कर सकते। जो अगर हमारे हाथ में रिमोट है तो सर हम उससे कंट्रोल तो कर सकते हैं, ये नहीं कि बंद अच्छा, करना उनको बंद करना ऐसा नहीं है। उनको बंद करिएगा उनका, जो उनको अगर नहीं भी मान रहे तो कुछ थोड़ी देर के लिए होल्ड पर कर दीजिएगा। जीडी निरंकारी जी कोई अगर पोस्ट गलत डालता तो उसको 12 घंटे के लिए 24 घंटे के लिए निकाल देते हैं उसमें से कम इनको 10 मिनट के लिए कर दीजिएगा, यहाँ अटेंटिव रहना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। अगला नाम विजय बोध जी का, विजय बोध है पुणे से, उनका ले लीजिए, उन्हें बुलाइए सर। विजय बोध जी आए, विजय बोध जी अपना इंट्रोडक्शन दें। हाँ सभी को जय भीम नमो बुधाए, जय भीम नमो। हेलो, हाँ मैं
सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, राष्ट्रीय पारिवारिक धर्म संगोष्ठी में काम करता हूँ और विद द पीपल से मैं बहुत साल से जुड़ा हूँ। हेलो जी सर, बोलिए आपकी आवाज आ रही है। हाँ, सुधीर सिंह बोलची से मेरे पास दिल्ली में मैं आया था, जब से मुलाकात है अभी का 2-3 साल हो गए जो विद द पीपल से मैं जुड़ा हूँ सर जी, और धर्म का काम करता हूँ। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, तो इसी में मैं और मैं साथियों को मैं जुड़ना चाहता हूँ सर, इसी में सभी को जब बताए। प्रेम माथुर जी हैं, उनको जरा इंट्रोडक्शन के लिए बुला लें। बोध जी, जी सर, जी सर, जय भीम सर, लाल साहब जय भीम। हाँ जय भीम, जय भीम। प्रेम माथुर जी से 17 तारीख के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन में बताएं कुछ। प्रेम माथुर जी को इनवाइट कर लें आप। हाँ सर, मैं गुलाब सिंह जी आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कोहेस्ट का काम संभाले थोड़ी देर के लिए, फोन थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्जिंग पे लगाऊंगा। गुलाब सिंह जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके, आप जो प्रयास करता हूँ साहब। जी सर, और इनको अभी जो बताया साहब ने इनको बुला लीजिए, प्रेम माथुर जी। माथुर साहब जी सर, सभी साथियों को मेरा जय भी मोह होता है। मेरा नाम प्रेम माथुर है और मैं फरीदाबाद प्रैक्टिस करता हूँ। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि 17 तारीख से क्या 17 तारीख के लिए हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो विद फैमिली आने वाला हूँ और बाकी और भी लोगों को मैंने इन्वाइट किया है, अब उन लोगों का देखते मत कितना बनता है आने के लिए। कितने पराठे बनाते हैं, पराठे और अचार? मैं सर पराठे और अचार तो नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि पिछली बार मेरे खाने की तबीयत खराब हो गई है। मेरा दिल दितवान मन मत कर, तो मैं अपने घर का जो काम सिंपल जो रोटी है और अपना खाना है वो लेके आऊंगा, लेकिन हाँ औरों के लिए भी लेके आऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक हाँ जी सर, जीडी भारती जी, सर जीडी भारती जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी भारती जी आए सर, जय भीम नमो बुद्धाय सर जी, जय भीम नमो बुद्धाय सबके लिए, जय भीम नमो बुद्धाय जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी। मैं प्रयास कर रही हूँ सबको जोड़ने के लिए और मैं 1 सितंबर से जुड़ रही हूँ, तो मैं मतलब ये बोलती हूँ कि हम सब भारत के लोग प्रयास कर रहे हैं तो मतलब कामयाब होंगे एक दिन जरूर कामयाब होंगे। सब लोग जुड़ेंगे और धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे, मतलब जुड़ने लगेंगे। बहुत प्रयास करती हूँ मैं रोज, सबके लिए मैसेज भेजती हूँ। हम होंगे कामयाब एक दिन जी, हम होंगे कामयाब एक दिन, जरूर होंगे कामयाब हम। कहाँ रहते हैं बहन जी आप? मैं सागर मध्य प्रदेश में रहती हूँ, सागर एमपी। हाँ सागर, ठीक जी जी, ठीक है जी। जय भीम नमो बुद्धाय सर जी, जय भीम नमो बुद्धाय जी। सागर एमपी से हैं और डेली जुड़ती हैं बहन जी? मैं डेली जुड़ती हूँ। जीडी भारती जी के जी, ठीक है ठीक है, ओके। मैं जोड़ने का प्रयास भी कर रही हूँ। अरुणा जी को आज आपने जोड़ा था, अरुणा जी को? हेलो आए जी, और नए साथी जो भी हैं आए। हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं मुकुंद बंसोड़ बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से। मुकुंद बंसोड़ जी, जी मुकुंद बंसोड़ दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। आज बोलिए सर जी, जी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। सर आज लेखक कवियों का दिन रहा है, यही एक है सर मिशन आज की चर्चा, यही एक है। हेलो हेलो
हेलो सर, बोलिए सर, बोलिए सर। एक रचना पढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी लिखी हूँ। पढ़िए सर, रचना पढ़िए सर। नंद करो देवी देवों की पूजा, बाबा का आह्वान है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर दीक्षा भूमि पर बाबा साहब अम्बेडकर ने। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है सर, बोलिए। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर दीक्षा भूमि में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया और उन्होंने हमें जो संकल्प दिया उसी के आधार पर एक मेरी रचना है सर। बंद करो देवी देवों की पूजा, बाबा का आह्वान है। पंच सिंह का दीप जलावो, बुद्धि का निर्माण है। बंद करो देवी देवों की पूजा, बाबा का आह्वान है। पंच सिंह का दीप जलावो, बुद्धि का निर्माण है। मुगल त्रासना की प्रतिमा ये खंडर से हो साकार, चीन देश के राज्य की पद दलित हुई बनी दीवार। उठो दलित तो अब तो जागो, रूढ़ीवादों को छोड़ो। किस रन का नारा लगाओ, समानता को जोड़ो। दहा करो लोभ क्रोध तृष्णा जीवन का अपमान है। पंचशील का दीप जलाओ, बुद्धि का निर्माण है। पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाना है। छोड़ गए है भीम जी मिशन, उसको आगे बढ़ाना है। हम दलितों को शान से जीना सिखाया भीम ने, भटक गए थे हम राह से, राह दिखाया भीम ने। भीम के चरणों में स्थित से झुका हुआ जो सत्ता का सम्मान है। बंद करो देवी देवों की पूजा, बाबा का आह्वान। पंचशील की गाथा गाकर जीवन सफल बनाएंगे। इस रन को मन में लेकर जीवन ज्योत जलाएंगे। प्रज्ञाशील का करे पालन, हम बुद्धिस्ट कहलाएंगे। हर लवों पर हो पंचशील की लय, ये समता का समता दिलाएंगे। हर घर में गूंजे तीसरन, बाबा का सम्मान है। बंद करो देवी देवों की पूजा, बाबा का आह्वान है। उसका पसीना यूं न गिरा, याद करो वो बात पुरानी, जिसको पढ़ते सुनते ही आंखों में बहता है पानी। बुद्ध धर्म संघ में आकर पंचशील तुम गाओ, कहता मुकुंद आज तुमको जीवन सफल बनाओ। भीम का नारा लगाओ, विद्या का विद्वान है। बंद करो पंच देवी देवों की पूजा, बाबा का आह्वान है। ये मेरी रचना है सर, और बाबा भीम का है, इसको पूरा करने के लिए वी द पीपुल बहुत बड़ा मंच है। इसमें आकर शायद हम इस मिशन को सफल कर सके, ऐसी हमारी कामना है। और आप सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए विद पीपुल मंच जैसे मंच का शुभारंभ किया। इसके लिए और मेरे तरफ से आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय, धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। बंसोड़ साहब, आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई हमें, और हमें अपना दीपक स्वयं बनना है, और बाबा साहब ने इसके लिए अपना जीवन कुर्बान किया हमें समझाने के प्रयास में। तो अगली हमारी हैंड रेज है अरुणा अहिरवार जी का, दोबारा हैंड रेज है, और अनु बोध जी आए, दोनों में से कोई भी। अनु बोध जी आए पहले। जय भीम नमो बुद्धाय सभी सम्मानित साथियों। जैसे कि आज 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने आज ही के दिन बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण की थी, और हम सबको भी आज 22 प्रतिज्ञा जो बाबा साहब ने दी थी उसका पालन करना है। लेकिन हमारे समाज के लोग एक भी प्रतिज्ञा पालन नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सभी बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं का पालन करें, और सभी अपने मन में आज एक मतलब संकल्प लें कि मुझे इस तरह से काम करना है। और जैसे कि मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं, आर के बौद्ध अंकल जी भी आज जुड़े हुए हैं, देखा है। अच्छा लगता है कि सभी लोग इतना कीमती समय देकर आज ये मूवमेंट चला रहे हैं, और संघ इतना बड़ा संघ बन गया है। मतलब आज के डेट में हर बंदे के मुंह पे है कि वी द पीपल कोई संघ है, कोई चला रहा है, तो इसको देख के थोड़ी सी खुशी होती है। इस टाइम मैं तो मुजफ्फरनगर में हूँ, और यहाँ पे एक कार्यक्रम लगा था और कार्यक्रम अटेंड करने आई हूँ। अभी कार्यक्रम शुरुआत होने वाली है 9 बजे से, मैं कार्यक्रम अटेंड करूंगी।
और इसलिए आपने मुझे पहले मौका दिया बोलने का, इसके लिए साधुवाद शुक्रिया धन्यवाद सभी को मौका मिले। जय भी अनुभव जी, आपने अपना बताया नहीं कि कहाँ रहती हैं, परिचय थोड़ा दें। सर मैं रोज बोलती हूँ मैं लखनऊ में रहती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कई दिन से जुड़ नहीं पाया था, कर रही हूँ। ठीक है जी, ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके सर, और उससे डरना नहीं है जो बोली थी ना तुम्हारे ने, उससे डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना है, उसको मुंह तोड़ जवाब। अरुणा अरुणा अहिरवार जी आएंगी, अरुणा अहिरवार जी, अच्छा कोई और साथी जो हमारे आज ये Hello? जो प्रोग्राम। हाँ जी हाँ जी सर मैं आ गई। हाँ बोलिए मैडम जी बोलिए। अच्छा आज पहला दिन है तो मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर करूंगी। आज मैं आप तो, सब लोगों की बात सुन रही थी। समझ लेना कुछ नहीं, अपने आप में थोड़ा बता दे मैडम मैं कहाँ से क्या बोल रही हूँ बस। हाँ मैडम का इंट्रोडक्शन तो हो गया है, मैडम जी का परिचय हो गया है, और ये दोबारा हैंड रेज किया था मैंने, सोचा कुछ बोलना चाहती हैं तो अभी मैडम जूम से ज्यादा मीटिंग से ज्यादा फैमिलियर नहीं है इसलिए शायद मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन कोई बात कोई बात नहीं। थैंक यू मैडम आप जुड़े, कुछ की कर रही हूं हां इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी पूरे समय जुड़ी है। हाँ जी अरुणा जी, जब भी मैं आपने बोला था तो मैं आज जुड़ गई, लेकिन अभी बहुत अच्छे से आ नहीं रहा, मतलब बच्चों से पूछ के। अच्छा जी धीरे धीरे आ जाएगा मैडम, और एक्चुअली जुड़िए मैंने 9 बजे मुझे थोड़ा सा जाना है कहीं, तो थोड़ा जी मेरा लिमिट है। जी 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 कोई बात नहीं बहन जी। जी अब हमारे अगले साथी हैं ओम प्रकाश जी, कुछ कहना चाहते हैं ओम प्रकाश जी? 17 तारीख की मीटिंग के लिए जो तैयारी की है उसके बारे में कुछ बताएं। सर जी हाँ जी सर, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलो जी बोलो। मैंने अरुणा जी के लिए जोड़ा है। बहुत बढ़िया थैंक यू। बहुत दिन से प्रयास कर रही हूँ, मैंने उनको कई बार फोन लगाया और मैसेज भेज कर, ये कल से जुड़ी है, आज जुड़ी है आज। बहुत बढ़िया, आपको भी गोपाल राय से आपको भी साधुवाद, और अरुणा जी को भी साधुवाद, आप दोनों जुड़े, आप हमें हमारी महिला शक्ति हैं और आपको हम नमन करते हैं वी द पीपल के मंच पर आने से। ठीक है धन्यवाद। ओम प्रकाश जी हाँ ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। तैयारी सर फुल है, कोई दिक्कत नहीं सर, जरूर आएंगे, थोड़ा सा लेट आऊंगा, चलो मीटिंग है मेरी, अभी थोड़ी देर पहले भी मीटिंग में जुड़ा था मैं, और अजय कुमार साहब जुड़े हुए हैं, उनको बुलाएं, उनका थोड़ा पर्चे ले प्लीज, बड़े मिसाली साहब। बिल्कुल बुलाएं। आदरणीय अजय कुमार साहब आइए और अपना पर्चे दीजिए, वी द पीपल में आपका स्वागत है। अजय सर आवाज म्यूट कीजिए अपनी। जब तक किसी और अन्य साथी को बुला लो। ओम प्रकाश जी कोई और साथी आना चाहे तो उससे बात कर लो। राव सिंह जी। हाँ जी हाँ जी सर, आज ना जो कंसेप्ट है थोड़ा जल्दी करना था, आज का प्रोग्राम थोड़ा डिफरेंट है। हाँ ठीक है, डॉक्टर यूएस लाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर लो। तो कंसेप्ट यूएस लाल जी बताएंगे सर आज। हाँ उनका ऑफर था तो ठीक सर, बाकी कोई डॉक्टर साहब आए और कंसेप्ट बताएं आज यूएस लाल साहब। थैंक यू सर। अजय सर आवाज आगे आ रही होगी तो उनको बुलाइए सर, अजय साहब को, अजय कुमार जी। अजय सर आए आप अपना इंट्रोडक्शन दे। आवाज नहीं ओपन कर पा रहे, उनको एक बार बोलिए सर प्लीज। ओम प्रकाश जी वो बार बार बीच में आवाज ऑन करके डिस्टर्ब कर रहे थे, वो परिचय कम दे रहे थे, डिस्टर्ब ज्यादा कर रहे थे। पहला उधर सर कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है और बार बार वो डिस्टर्ब कर रहे थे बीच में।
कोई नहीं, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा था, डिस्टरबेंस किसी ने नहीं सुना, सबने कॉन्सेप्ट सुना है। सुना है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट सुना है। हमारा मन अच्छे काम में रहे, बुराई भी चलती रहेगी, वो अपना रहे। हेलो, हम अपना अच्छाई से जुड़े रहे तो बुराई कुछ नहीं करे। विजयकांत साहब बोले। जी सर, सभी को जय भीम नमस्कार। मैं विजयकांत अमरोहा यूपी से, मैं अपना छोटा सा विचार रखना चाह रहा था सर। बोलें बोलें सर, बताएं। जी जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी मीडिया है ना, बहुजन मीडिया सर, हम अपने लोगों को हमें उसके बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि हमें पता लग गया है कि मीडिया का कितना बड़ा रोल होता है देश के अंदर। वो जो है वो सभी लोग हमारा प्रचार प्रसार करेंगे, जो हमारा चल रहा है, हम दशहरे के रूप में इसको मना रहे हैं, कल जो विजयदशमी है, अशोक विजयदशमी, ठीक है, तो हम लोगों को नहीं पता कि अशोक विजयदशमी है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, मुझे अब पता लग गया है, मैं यहाँ जुड़ता हूँ और जो लोग जुड़ रहे हैं उनको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है। तो मीडिया के माध्यम से, हमारे जो बहुजन मीडिया है उसके माध्यम से लोगों को पता लगेगा, और बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया का बहुत अहम रोल होता है इसमें। तो मैं ये चाह रहा था सर कि सभी लोग, ठीक है विजयकांत जी, आप थोड़ा अपना अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं। जी मैं सर अमरोहा से हूं और मैं शिक्षक हूं, अभी 69,000 भर्ती हुई थी अमरोहा उत्तर प्रदेश में, तो मैं उसमें सेलेक्टेड हुआ था। बहुत बढ़िया विजयकांत जी, आप शिक्षक हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं, हमारा मीडिया होना चाहिए, लेकिन आप इसमें विद द पीपल की मीटिंग में रोज जुड़ते रहे। बिल्कुल सर, मैं रोज डेली जुड़ता हूँ और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करता हूँ। गुलाब सिंह जी, ये हमारे बहुत ही मुझे एक तरह से विद्या पीपल को आगे बढ़ाने वाले साथी हैं और डेली जुड़ते हैं, बराबर काम कर रहे हैं विजयकांत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। जय भीम नमः बुद्धाय। जय भीम नमः। एमपी से है मोतीलाल आलमचंद्र जी, भोपाल से। जय भीम नमः बुद्धाय। जय भीम। आज जो कॉन्सेप्ट रखा गया था वो कवि लेखक के लिए है, और जितने भी मानव जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है। तो मुझे आप कितना समय देंगे वैसा बताएं, तो वैसे ही अपनी बात रखूं। आप तो बताएं कितना समय देंगे आप मुझे, आप 5 मिनट में बताएं। चलिए, आज जो विशेष दिन है विजयदशमी का, ये महान सम्राट अशोक के हमारे भारत देश में अलौकिक शासक हुए हैं, उनका एक खास दिन है। एक्चुअली अशोक को जानना बहुत जरूरी है, भारत में जितना अशोक को जाना जाएगा, उनको परखा जाएगा, उनके बारे में जितना पढ़ा जाएगा, उतना ही बहुजन समाज के लिए हितकारी होगा, और बहुजन समाज में एक चेतना जागेगी कि हमारे पुरखे इतने ज्ञानवान, इतने ताकतवर, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से और शैक्षणिक रूप से इस देश में रहे हैं, उनकी संतानों को भी उसी हिसाब से, उनके तुलनात्मक रूप से इस देश में होना चाहिए। एक्चुअली सम्राट अशोक न केवल राजा रहे हैं, बल्कि वो सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं। इस देश पर जो लेखन शैली विकसित हुई है, इस लेखन शैली विकसित करने में भी सम्राट अशोक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अशोक के पहले इस देश में लेखन शैली नहीं थी, केवल भाषा थी, लेखन शैली सम्राट अशोक लेकर है। धम्म लिपि सबसे पहले सम्राट अशोक ने लिखी, सम्राट अशोक जितने भी शिलालेख पहले हुए हैं वो धम्म लिपि में है, भारतवर्ष में, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि में है, यह काबुल में जो द्विभाषी शिलालेख मिला है अरमाइक और ग्रीक भाषा में। तो जो सम्राट अशोक के शिलालेखों में क्या कहा गया है यह जानना भी बहुत जरूरी है। जो सम्राट अशोक के जो शिलालेख में 4 भाग है, चतुर्दश शिलालेख जो बड़े शिलालेख है, अर्थात जहाँ 14 शिलालेख एक जगह लिखे गए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख है। उसके बाद बड़े पिलर और उसके बाद छोटे पिलर, लघु शिलालेख या गुहा शिलालेख, इस तरह कई तरह से बाइफरकेशन किया गया है।
ये जो चतुर्दश लेख है उनमें पहली लाइन में सम्राट अशोक कहते हैं यंग धम्म लिपि लिखा पिता, अखबार में कहते हैं कि मैं एक धम्म लिपि इस भाषा में लिख रहा हूँ। तो जो लिपि का जो विकास है सम्राट अशोक अपने शासन काल में कर रहे हैं और उसमें लिपि का विकास कर रहे हैं, धम्म का विकास कर रहे हैं, राजनीतिक विकास कर रहे हैं। सम्राट अशोक अपने अभिलेखों में कई प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं, जो वर्तमान में एक्चुअली जितने भी जो कायदे कानून है विधान है वो हमें सम्राट अशोक के शिलालेखों से हमें प्रेरित या प्रेरित है या वहां से सीधे सीधे लिए गए। क्योंकि आपने समय मुझे बहुत कम दिया है तो मैं इसमें आपको विस्तृत से बताना चाह रहा था सम्राट अशोक महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए। एक्चुअली जो आप जो हमारे कल्चर में जो हमारे आचरण में जितनी भी तिथियां महत्वपूर्ण है, अष्टमी तिथि लीजिए, पूर्णिमा लीजिए, चतुर्दशी लीजिए या प्रतिपदा लीजिए, इस सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इन तिथियों का महत्व है। सम्राट अशोक इन तिथियों को बहुत विशेष मानते हैं, बुद्ध भी इन तिथियों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। जो आज दूसरे तरीके से आप देखिए जो शासन स्तर पर जो विधान है राष्ट्रीय त्योहारों पर जो हमें देखने को मिलता है कि जो अच्छे आचरण कर कैदियों को रिहा किया जाता है, ये भी सम्राट अशोक के शिलालेख से लिया गया है। जो दिल्ली में स्थित शिलालेख है दिल्ली टोपरा शिलालेख, उसके भाग पांच में पड़ी उसमें उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार कई और भी चीजें हैं धर्म के अलावा राजनीति के अलावा जो सम्राट अशोक हमें देते हैं। सम्राट अशोक धम्म में विजय की ओर जाते हैं, कल्याण की बात करते हैं, कल्याणकारी समाज की बात करते हैं, सर्वलोक हितकारी की बात करते हैं। इस सम्राट अशोक के शिलालेखों में विस्तृत पूर्वक दिया हुआ विस्तार से दिया हुआ है। सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रासंगिकता जितनी सम्राट अशोक के शासन काल में थी उतनी ही आज है, लेकिन जरूरत है उनके सम्राट अशोक के शिलालेखों को गौर से पढ़ने की, उन पर आचरण करने की। तब हम सम्राट अशोक के शिलालेखों के आधार पर या सम्राट अशोक को सच्ची भावांजलि दे पाएंगे जब उनके शिलालेखों के अनुसार भारत का नवनिर्माण कर सके। यदि आपकी अनुमति हो तो एक्चुअली आज लेखक और कवि का भी दिन है तो मैं चाहूंगा कविता सुनाना। एक्चुअली मैं कवि भी हूँ, एक काव्य संग्रह मेरा नई कॉम्पले प्रकाशित हुआ है। सुनाइए सर सुनाइए। नई कॉम्प्ले जो मेरा काव्य संग्रह है उससे मैं कविता लेता हूँ। इसका शीर्षक है ग्रीस टेक्स। एक्चुअली आपको बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि हमारी माता बहनों को छाती कमर से ऊपर का भाग ढकने का अधिकार नहीं था। एक राज है त्रावणकोर जो वर्तमान में केरल कहलाता है। ये अधिकार 1859 में मिला है और 1924 तक वहां पर ऐसी महिलाएं देखी जाती थी जो कानून बनने के बाद भी अपने स्तर नहीं करती थी। जब मैं इस जगह पे गया, एक्चुअली मैं यहाँ पर गया भी हूँ केरल में, यहाँ पर एक बहुत बड़े विद्रोह भी हुआ था और बहुत महान नेत्री थी नंगेली, उन्होंने इस प्रथा के विरोध में अपने दोनों स्तन काट के अफसरों को समर्पित कर दिए थे। उसको ही उनको समर्पित किताब है और उनको समर्पित कविता है। सीधे कविता पर आइए। ब्रिस टेक्स गौर से सुनिए। स्तन कर मुलक्रम केरल मलयाली भाषा मुलक्रम कहते हैं। मुलक्रम स्तब्ध हो गया सुनकर स्तन कर 200 साल पूर्व तक जो प्रचलन में था त्रावणकोर की राजशाही ने थोपा था तुम पर नंगेली। तुम भी बागी हुई ना कर दिया ना ही स्तन सार्वजनिक किए गरीबी की मार भी ना डिगा पाई तुम्हें ना हिला पाई अंधी राजशाही। रोज आते रहे अफसर स्तन कर मांगने होती रही रास जब हद हो गई इम्तिहान की तो सौंप दिए दोनों स्तन काट कर असली से केले के पत्ते पर बंद आंखें खोलने के लिए जो बीमार मानसिकता में घसी थी और कौड़ियां लेती थी जातीय विशेष प्रजा से उभार ढकने के एवज में। मुलक क्रम स्तन कर ब्रीस टेक्स कैसा बरबर कर था जो अंधी सत्ता ने थोपा था असली से कैसे काटे होंगे मांस के लोथड़े और केवल इसलिए कि
तुम्हारे पास धन नहीं था तन ढकने का कर देने के लिए। तुम महान हो नंगेली स्त्री गरिमा की पहचान हो, जिसने आबरू उगाड़ने से बेहतर अपने हाथों से नष्ट करना उचित समझा। कितनों को तुमने सांस दिया होगा, भले ही स्तन के रास्ते सारा रक्त बह गया होगा, लेकिन अडिग रहा तुम्हारा सांस छाती छल्ली होने के बाद भी। छल्ली छाती से कितनी रक्त की पिचकारी निकली होंगी, छाती भी चीखी होगी, पर ना सुनी होंगी तुम्हारी चीख है उस बहरी राजशाही ने, जो बहरे गूंगे और अंधे थे किताबी बीमारू ज्ञान से। आज 200 साल बाद भी तुम जिंदा हो नंगेली उस पावन भूमि चैड़थला में। चैड़थला केरल में जगह है, उस जगह पर एक कुर्बानी हुई थी। उस पावन भूमि चैड़थला में असंग महिला बरादरी में जो लड़ती है अपने हक की लड़ाई और बहाती है लहू दूध उतरने के रास्ते से। मैं बहुत बेचैन था देखने उस पवित्र भूमि को, जहाँ तुमने 2 सदी पूर्व कुर्बानी दी थी महिला अस्मिता की लड़ाई में। चैड़थला की भूमि में आज भी तुम दफन हो, भले ही तुम्हारी पूरी लड़ाई की अग्नि को बुझा दिया गया है, क्योंकि तुम शोषण से उपजी थी, तुम थी इजावा, अपने आप को मानव समझ बैठी थी। मुलक कराम ब्रिस्टेक्स स्तन कर, नाम अलग भाषा अलग पर आशय एक था वार ढकने का कर, जिसे तुमने नष्ट किया, आंखें दी उन अंधों को जिसने तुम यह थोपा था। सत सत नमन तुम्हें, जो तुमने महिला अस्मिता की आग अलग जगाई। धरती तो सुंदर है केरला, लेकिन एक काला रूप मन कहां से आया होगा, जब तुम पर यह कर थोपा होगा कि तुम स्तन भी ढको तो कर दो, और कर ना दे सको तो स्तन सार्वजनिक रखो। भूख मंडू बीमार मानसिकता जो कभी सत्ता में थी, जो केवल राजनीतिक नहीं अधार्मिक थी। साधुवाद, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। साधुवाद भारत का इतिहास, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लाल सिंह जी, गुलाब सिंह जी, गुलाब सिंह जी एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। अभी इस टाइम एंकरिंग के लिए के सिंह और आजाद सिंह का टाइम था एक तो, और मोतीलाल जी को तो पूरा टाइम था, जो ऐसे थोड़े शायद लेट हो गए होंगे ना, कोई काम हो गया होगा, तो इनका स्टार्टिंग इन्हीं से था, इनको मैंने फोन किया था सर। चलो अब इस टाइम जो है हमारे को त्रिशरण पंचशील का टाइम है, और उसके बाद 26 प्रतिज्ञाएं पढ़नी है, ये है प्रतिज्ञा मैं पढ़ना चाहूंगा सर, अगर कोई इजाजत दे सर। मैं तो सभी मिलके करेंगे, कर लेंगे त्रिशरण पंचशील, सभी मिलके करेंगे। अभी डॉक्टर अजय जी हैं, परियार साहब जी, अजय कुमार जी का इंट्रोडक्शन हो जाए तो उसके बाद हम करेंगे। करा लो, कोई रह रहा तो सर, मैं अजय कुमार बोल रहा हूँ, दोहरी घाट मऊ उत्तर प्रदेश से। जी जी, आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। आज पहला दिन है मेरा, आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, सभी लोगों को। आप आज मेरा पहला दिन है आपके कार्यक्रम से जुड़ने का, मुझे झूम में खुलने में दिक्कत हुई है, अब ढंग आ गया है, और आपसे प्रतिदिन जुड़ते रहेंगे। मैं गौतम बुद्ध और बाबा साहब के विचारों पर चलता हूँ और उसे मानता हूँ, मेरा परिवार भी मानता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा जुड़े रहें, अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल दें, और नंबर बोले, डेली मीटिंग होती है 8 बजे से 11 बजे तक। इनको लिंक कहाँ से मिला? आपको लिंक कहाँ से मिला है? ओम प्रकाश जी दिए थे। अच्छा, उन्होंने दिया। ओम प्रकाश जी, जो दिल्ली में, होम मिनिस्ट्री में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कुछ कहना चाहूंगा सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा कि जो इनके विचार है ना सर के, वो अपने तक ही सीमित ना रखें, आसपास में जो लोग हैं ना उनको भी अपने विचारों से प्रभावित करें, मैं इतना कहना चाहूंगा सर से। जी जी, रिक्वेस्ट है मेरी। आपकी बात सही है। जी जी, सब सत्य कर रहे हैं। थैंक यू सर, साधुवाद आपका। जय भीम सर, जय भीम, जय भीम, जय भीम सर। ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर लाल सिंह जी, अजय
अहिरवार साहब एक कविता और पढ़ दूं मैं छोटी सी बात। एक मिनट बंसोत जी, थोड़ा सा कार्यक्रम के हिसाब से चल पड़े, पहले लेट हो रहे हैं, बाद में पढ़ा आपको टाइम दे दिया जाएगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज अशोक विजयदशमी है, इस अवसर पर मैं सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है हम सबके लिए, जिस दिन सम्राट अशोक ने हिंसा को त्याग कर अहिंसा ली थी, ये वही दिन है 2500 साल पहले। तो ये एक बौद्ध शासन उस दिन से आरंभ हुआ था, देश में अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश ने इतनी तरक्की की कि हमारे देश का जो एक भिक्षु था, जो नंगे पैर, जो नंगे सर, और जिसकी जेब में एक पैसा नहीं, जिसके पैर में चप्पल नहीं। साहब आवाज कम आ रही है, ठीक आ रही है, कोई बात नहीं। सम्राट अशोक ने जिस धम्म की स्थापना की, उस धम्म का भिक्षु नंगे पैर, नंगे सर और खाली जेब होते हुए वो भारत की सीमाओं को पार कर गया और पूरा विश्व का पहला धर्म स्थापित हुआ, बौद्ध धर्म विश्व का पहला विश्व स्तरीय धर्म बना। इससे पहले जो भी धर्म थे वो केवल क्षेत्रीय, वो अपने अपने संप्रदाय तक सीमित थे। बौद्ध धर्म को पहला विश्व स्तरीय धर्म बनने का सौभाग्य मिला और उस धर्म ने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर जो धर्म में सामाजिक व्यवस्था स्थापित की, नैतिक मूल्यों को स्थापित किया और 2.5 वर्ष तक वो साम्राज्य दुनिया को रास्ता दिखाता रहा और शांति स्थापित हुई पूरे एशिया में, तो वो बुद्ध की वजह से हुई। भाईचारा स्थापित हुआ तो वो बुद्ध की वजह से, सम्राट अशोक के प्रयासों से हुआ, वो उनके शिला लेखों से हमें पता लगता है। आज हमारे सामने जो प्राचीन भाषा उपलब्ध है उसमें सबसे प्राचीनतम शब्द सम्राट अशोक के धम्म लिपि जो शिला लेखों से हमें मिलते हैं, उससे पहले के कोई शब्द भारत में नहीं उपलब्ध है, कोई ग्रंथ उससे पहले कोई नहीं लिखा गया भारत में। तो सबसे प्राचीन शब्द जो भारत में उपलब्ध है वो सम्राट अशोक के काल के हैं, जो ऐतिहासिक है। और वो प्रथा हमारे देश में रही तो बाबा साहब अंबेडकर जब आए तो वो प्रथा भारत से तकरीबन लुप्त हो चुकी थी। तो एक युग जो बौद्ध शासन होता है वो 2500 वर्ष का होता है। सम्राट अशोक बाबा साहेब के समय तक पहला बौद्ध शासन समाप्त हो गया और 14 अक्टूबर को बाबा साहेब अंबेडकर ने दूसरे बौद्ध शासन का उद्घाटन नागपुर की भूमि से किया, क्योंकि नागपुर बौद्धों की भूमि थी, बौद्धों की राजधानी थी, इसलिए बाबा साहेब ने दूसरे बौद्ध शासन का उद्घाटन उस नागपुर की भूमि से किया और हमें वो धम्म दिया। आज दुनिया के लोग उस भूमि से प्रेरणा लेकर और धम्म का मार्ग अपना रहे हैं। 140 ग्रंथों का भगवान बुद्ध ने जो भी उपदेश दिए अपने जीवन में, वो एक एक शब्द, एक एक लेक्चर भगवान बुद्ध का लिखित रूप में उपलब्ध है 140 ग्रंथों में, जिसको त्रिपिटक कहते हैं, जो कि एक देश है छोटा सा, वहां से उपलब्ध है, कोई भी ग्रंथ मंगवा सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो उद्घाटन दूसरे बौद्ध शासन का किया, इसी के लिए बाबा साहब पैदा हुए थे, वो उद्घाटन करने आए थे दूसरे बौद्ध शासन का और नागपुर में आज के दिन उद्घाटन कर गए, तो हम सब धन्य हुए और इसी वजह से आज हम उस दिवस को मना रहे हैं सभी हर्ष और उल्लास के साथ। तो बाबा साहब ने एक बात और कही थी,
जब वो नागपुर में, जब वो आगरा में गए कि आज मैं आखिरी बार तुमसे शेड्यूल कास्ट के नाते मिल रहा हूं, आज के बाद मैं तुम्हें शेड्यूल कास्ट के नाते नहीं मिलूंगा, मैं बुद्ध के नाते मिलूंगा। तो जो लोग बुद्ध के रास्ते पर चल सकते हैं वही मेरे साथ आए, जो नहीं चल सकते वो इस धम्म को खराब नहीं करें। तो आप इस धम्म पे सभी चलें, अपने जीवन को सुखी बनाएं और एक समाज में नैतिक मूल्यों की समाज की योगदान दें और बाबा साहब के इस दिन जो हमें आदेश देके गए हैं उस पर सभी चलें। आपका बहुत बहुत साधुवाद, मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर लाल सिंह जी जी, ये त्रिशन पंचशील अभी हमें सबको बोलना है और अच्छा जी, ये उसके बाद 22 प्रतिज्ञाएं हैं वो भी हमें सबको मिलकर बोलनी है, तो आप सबको सब घोच-पोच होगा, एक बोलते रहे बाकी सुनते रहे, सब अपना म्यूट कर, नहीं कोई बात नहीं, सब बोलेंगे, घोच-पोच क्या होना है, सब अपना मन से गाएंगे। डॉक्टर साहब वो सब आवाज अलग अलग आएगी सबकी, आवाज से कोई बात नहीं है, हमें मन से बोलना है ना। नहीं नहीं मन से, वो क्या नाम है प्रियार जी जी, नहीं हम बोलेंगे ऑन करके, मिला के बोलेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे, कोई बात, थोड़ी देर डिस्टर्बेंस होगी तो होने दो, ठीक है ना। सारे साथी पढ़े लिखे हैं, सारे बोलेंगे, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बिल्कुल हाँ। तो कौन स्टार्ट करेंगे, आप ही करिए डॉक्टर साहब। अच्छा त्रिशन पंचशील ना सुधीर जी से अनुरोध करते हैं, वो थोड़ा बोल देंगे और हम बोल देंगे सारे, तो बोल देता हूँ। नमो तस्य, यहाँ से शुरू कर देता हूँ। हाँ 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 हाँ, बोले बोले सर, नमो सुधीर जी से रिक्वेस्ट करते हैं। नमो तस्य भगवतो भगवतो अरहतो, नमो तस्य भगवतो अरहतो संभुतस्य, नमो तस्य भगवतो ुद्धं शरणं गच्छामि, नित्यं पदयामि22 प्रतिज्ञा बोलूं।
बाईस प्रतिज्ञाएं जो ना सुधीर जी, एक मिनट छोटे लाल जी मेरे पास भी है सर, मैं चलो बोलिए सुधीर जी से भी भाई एक बार। हाँ सुधीर जी आवाज सुन रहे तो 22 प्रतिज्ञा अगर आप करना चाहें तो करें। सारे लोग ना अपना माइक खोल लें, सारे लोग अपना माइक खोल लें जी, खुले हैं बोलिए। अभी सबके माइक नहीं खुले, आधे ज्यादा बंद हैं, सब लोग अपने माइक खोल लें, खुलिए सब लोग अपने माइक। हाँ सर, मैं आधे से ज्यादा माइक बंद है, पहले माइक खोलिए सारे लोग। मैं एक शब्द बोलूंगा जल्दी नहीं करेगा, मैं शुरू कर रहा हूँ। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है वो बंद कर लो। जिसके दो 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 कनेक्शन है उसमें से एक अपना ऑफ कर दे। चलिए शुरू कर रहा हूँ आराम से, मैं जो बोलूंगा रुकूंगा उसके बाद आराम से सब बोलेंगे, कोई जल्दी नहीं करेगा। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा और न कभी उनकी पूजा करूंगा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और न कभी पूजा करूंगा मैं गौरी गणपति और गणपति धर्म के नहीं करूंगा भगवान विष्णु भगवान बुद्ध के अवतार से भी ये नहीं मानूंगा। इस बात को मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं ऐसे प्रचार समझता हूँ, मैं कभी करूंगा और नहीं दान करूंगा बौद्ध धर्म के कभी कोई नहीं करूंगा, आचरण नहीं करूंगा, मैं कोई संस्कार
कोई आप बड़ों के हाथों के हाथों इस सिद्धांत को मानूंगा कि मानूंगा कि एक है एक समान है एक है मैं समानता की स्थापना के लिए आजीवन प्रयत्न करूंगा करूंगा मैं भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई दस अर्घताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा मैं चोरी नहीं करूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा मैं व्यभिचार नहीं करूंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा मैं शराब नहीं पीऊंगा अपने जीवन को अपने जीवन को दम के तीन तत्व और दम के तीन तत्व ज्ञान शील और करुणा करूंगा पर उससे मात्र के विकास के लिए अधिकारक और अनुसर मात्र को ऊंच नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म को पुराने हिंदू धर्म को त्यागता हूँ और बुद्ध धर्म को करता हूँ मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है मेरा ऐसा पूर्ण ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भगवान बुद्ध का धम्म ही भगवान बुद्ध का धम्म ही सही धम्म है मैं यह मानता हूँ अब नया जन्म हो गया है मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ आज से मैं की शिक्षाओं के स्वरूप ही आचरण करूंगा एक रह गया सुधीर जी कौन सा रह गया भगवान बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन तो है रही 11 नंबर पे अंगिक मार्ग का है भगवान बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग पर है भगवान बुद्ध के मैं भगवान बुद्ध के आष्टांगिक मार्ग का भाई सही है प्रतिज्ञा भैया तेज अभी एक प्रतिज्ञा और करनी है बोलिए सर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सभी लोगों को जुड़ूंगा और जुड़ूंगा जुड़ूंगा और जुड़ूंगा यह प्रतिज्ञा रूप है संगठित होने के लिए आदेश दिया धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद सुधीर जी सभी साथियों को बहुत बहुत साधुवाद सभी के लिए साधु साधु सर बंद नहीं हूँ।
अब आगे इस पे चर्चा की जा सकती है। परिचय के साथ साथ कोई नए साथी हैं वो हैंड रेज करें। और थैंक यू साधुवाद आपको प्रतिलाल देसाई जी। एनके खेवड़िया जी का हैंड रेज है, आप बोले क्या? एनके खेवड़िया जी, सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम और नमो बुद्धाय। 22 प्रतिज्ञाओं में सर एक अष्टांगिक मार्ग के विषय में जिक्र आया है, तो मैं चाहूंगा जो साथी इस बात की जानकारी दे सकें तो ज्यादा अच्छा है जी। सॉरी, आप दे सकते हैं खेवड़िया जी? जी नहीं, मुझे जानकारी नहीं है सर। ओके, अब कौन आगे फर्दर? वैसे तो सुधीर राज जी पूरा बता देंगे अष्टांगिक मार्ग का, और कौन बताएंगे? अपने आप बताओ प्रॉपर। केवड़िया जी, इसके तीन हिस्से हैं, सील, समाधि और प्रज्ञा। आप बता दो वैसे यहाँ थोड़ा सा वो तीन। मैं थोड़ा सा आपको दो मिनट बता देता हूँ। वैसे तो इसके आठों जो मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं इसको, आठ अंगों वाला रास्ता। ये जो आठ अंगों वाला रास्ता है, कोई भी अगर क्या बोलते हैं धर्म को सीखना चाहता है तो ये आठ अंग हैं उसके। आठ अंगों में अगर वो सीख लेता है तो धर्म को जानना शुरू कर देता है। और आठ अंगों को तीन हिस्सों में तोड़ा गया है, सील, समाधि और प्रज्ञा। और ये सारे के सारे जितने भी हैं विपसना में हमें बताए जाते हैं। इसको डिटेल में अगर आपने देखना है तो एक एक सब्जेक्ट की ना आधा आधा घंटे की बहुत सरल भाषा में वीडियो है। आप वीदा पीपल के अगर उस पर जाएंगे, क्या बोलते हैं वीडियो पे, यूट्यूब पर जाएंगे और वहां पे अष्टांगिक मार्ग या एट फोल्ड पाथ या अष्टांगिक मार्ग अगर आप टाइप करेंगे तो इसका उसमें पूरा एक फोल्डर है। और ये आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आज का दिन नहीं है, 1 तारीख को 15 तारीख को इस पे जिक्र करेंगे तो अच्छा रहेगा। दो मिनट में सारे अष्टांगिक मार्ग को भी बता सकते हैं चाहे तो? अभी थोड़ा बता दीजिए डॉक्टर साहब बता दीजिए, आठों मार्ग बता दीजिए। अष्टांगिक मार्ग के तीन भाग है, सील, समाधि, प्रज्ञा। सील में तीन भाग आते हैं। पहला भाग है सम्यक वाणी, जिसमें है झूठ न बोलना, कटु न बोलना, चुगली न करना, निरर्थक बातें न करना, सत्य पर आधारित बात ही करना। दूसरा है सम्यक कर्म, जिसका में है किसी भी प्राणी की हत्या न करना, दूसरे की वस्तु न चुराना, व्यभिचार न करना, मादक पदार्थों का सेवन न करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तीसरा है सम्यक आजीविका, जिसके मायने है कि किसी को धोखा देकर कोई हानि या लाभ के लिए धन नहीं कमाना चाहिए। दूसरा भाग है समाधि, समाधि में तीन भाग है। पहला है सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम में है कि हम जो भी प्रयत्न करें वो पूरी लगन के साथ करें और सद्गुणों को उसमें अपना बढ़ाते रहें। उसमें अगला है सम्यक स्मृति, स्मृति माने शरीर और चित्त के प्रपंच के प्रति हम सजग रहते हुए संवेदनाओं के अनित्य बोध के आधार पर हम समता को पुष्ट करें। सम्यक समाधि है, सम्यक समाधि के माने चित्त को एकाग्र करना और शरीर और चित्त के प्रति जो सजगता बनी रहे और जागरूकता बनी रहे। ये दूसरा भाग समाधि का था। तीसरा है प्रज्ञा, प्रज्ञा के दो भाग हैं, सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प के माने है कि मन का विचार ठीक हो, संकल्प विकल्प हमारे सही हो, मन का शुद्धिकरण का संकल्प सही हो। और आखिरी है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि के मतलब है कि हमारे जो दर्शन है, भाव है, वो ठीक हो, जो वस्तु जैसी है उसको हमें वैसा ही उसके गुण और कर्म के स्वभाव से देखना चाहिए, ना कि जैसा कोई पढ़ा है या सुना है। आपके अनुभव के आधार पर जो बातें उतरती है वो आपका सम्यक दर्शन है। और उसमें आपका अनित्य बोध को जानना जरूरी है कि सब कुछ अनित्य है, सब कुछ आ रहा है जा रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यही आठ मार्ग है भगवान के, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया। आपका मंगल हो, धन्यवाद, मुझे समय दिया, थैंक यू। बहुत बहुत साधुवाद आपको सर। केवड़िया जी, मैंने लिंक डाल दिया है, उसमें आप लिंक से देख लेंगे तो उसको आपको 8 वीडियो मिलेंगे, 9 वीडियो है इसमें, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की भी है। ठीक है सिंह साहब, धन्यवाद, बहुत साधुवाद डॉक्टर लाल जी।
जी स्वागत है। सरल भाषा में आपने समेक सम मुद्दों को समझाया, धन्यवाद सर। जी भी किसी और का कोई प्रश्न या कोई इनसे अलग नई बात आज के संदर्भ में धम्म दीक्षा या वहां की कोई ऐसी घटना कुछ भी? ये 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने वहां पे बोली थी क्या सारी, कोई बताएगा क्या सर? क्या बोले सर? हेलो, ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं बाबा साहब ने आज के दिन सारी वहां सबसे बुलवाई थी क्या, प्रतिज्ञा करवाई थी क्या? प्रतिज्ञा कराने के लिए आप लोग डिसाइड करेंगे सर, प्रतिज्ञा तो करने वाला इसका पालन तो करना ही है। नहीं, जब वो घूमने में कार्यक्रम हो रहा था तो ये बोल रहे थे सब कुछ, तो वहाँ 10 लाख या 5 लाख एक्चुअल, कोई 10 लाख कभी कहते हैं कभी 10 लाख 5, वो सबसे उन्होंने एक जैसे इकट्ठा हो गए बुलवाया। नहीं, बोली थी ना माँ तो पर यार सर मैं हालांकि मुझे संचालन करना था लेकिन वो मुझे हैंडओवर नहीं, कोई बात नहीं आप करो, वो तो बीच में चल नहीं रहा टाइम, बस केवल 5 मिनट है चूंकि भाई जो नियम ये होता है कि जिसका जो है वो उसको हैंडओवर किया, मैंने पहले किया था तो मैंने जब मेरा टाइम 9 बजे हो चुका था मैंने बुला करके उनको हैंडओवर कर देता, ये थोड़ा सा उसकी बात है कि भाई क्या नियम क्या कहता है हमारे कार्य का। तो मैं काफी समय से जुड़ा भी हूँ और मैं बार बार बीच में टोक भी रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं सर आप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा समझता था कि चूंकि मुझे ड्यूटी दी गई है तो मुझे अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए। वैसे तो मैंने पहले बोला था, नहीं बोला आपने ये कहा था क्या उनका नंबर है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, बीएस आजाद जी नहीं थे, मैं बराबर जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 13 कल का दिन जो 13 जो तारीख है इसके 1935 में बाबा साहब ने संकल्प किया था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा। तो ये संकल्प बाबा साहब ने 13 अक्टूबर को लिया था और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं पहले बौद्ध दीक्षा ग्रहण की और दीक्षा ग्रहण करने के बाद फिर 16 अक्टूबर को उन्होंने जैसा मैंने पढ़ा है उसमें जो साहित्य है उन लोगों का उसमें 2.5 लाख लोगों का भी जिक्र है, उसमें कुछ 5 लाख भी बताते हैं लेकिन कुछ 10 लाख भी बता देते हैं, 12 लाखों लोगों के साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन लोगों को स्वयं दीक्षा पहले लेकर के फिर उनको दीक्षा दी और दीक्षा देने के साथ साथ बाबा साहब ये जानते थे कि समाज की जो सोच और मानसिकता है वो बहुत कमजोर पड़ सकती है, इसीलिए बाबा साहब ने जहां ये धम्म की दीक्षा दी, धम्म की दीक्षा तक देने के साथ साथ जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में कोई फसल बोता है और फसल बोने के बाद अगर उसे खाद पानी ना लगाया जाए तो वो फसल उतनी अच्छी पैदावार नहीं दे सकती, उसी प्रकार से बाबा साहब इस बात को समझते थे कि मैं अगर दीक्षा भी दूंगा इनको तो दीक्षा देने के बाद भी ये लोग भटक जाएंगे और भटके भी हैं। तो बाबा साहब ने इन 22 प्रतिज्ञाओं को भी लोगों को दिया कि ताकि उनको बिल्कुल के आप लोग ये मैंने आपको शर्तें दी हैं कि आप इन शर्तों पर भी खरा उतरे, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दीक्षा के साथ साथ लोगों को समाज को 22 प्रतिज्ञाएं भी दी। तो इस 22 प्रतिज्ञाओं से ताकि लोगों के अंदर कोई शंका ना रहे, कोई इस प्रकार का कोई बात ना रहे कि बाबा साहब ने तो कृष्ण को तो कहा ही नहीं है, क्योंकि हमारे समाज के जो समण समाज के लोग हैं तो ये तो कहा ही नहीं है, क्योंकि सोच और वो जो है वो बाबा साहब समझते थे, क्योंकि बाबा साहब ने जब पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने के लिए भी विदेश भेजा और भेजने के बाद भी बाबा साहब को उन्होंने जो है उनके जो उनका परीक्षण था जो उनको वो सोचते थे उनके बारे में उस पर खरे नहीं उतरे। तो ये धम्म तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज होती है और धम्म
कि जो हम हिंदू धर्म ये इनकी बात हम करते हैं, ये एक सांप्रदायिक बाड़े हैं। इन सांप्रदायिक बाड़ों में जिस समुदाय का व्यक्ति है वही समुदाय का व्यक्ति जा सकता है। ये सांप्रदायिक बाड़े हैं। धर्म एक प्राकृतिक नियम है, एक नेचर का, एक निसर्ग का नियम है जो सब पर बराबर लागू होता है। धर्म से इस दुनिया में कोई आदमी बच नहीं सकता। जब हम धर्म की बात करते हैं कि मैं उस धर्म को नहीं, मैं धर्म को नहीं मानता या मैं नास्तिक हूं, ये समझिए कि जो आदमी नास्तिक अपने को कहता है सबसे बड़ा वही आस्तिक है। सर बाकी को आ रही है, आप थोड़ा सा वो लगाइएगा सर, बाकी सब आवाज सही आ रही है सर, सही आ रही है सर, सर आ रही है, आप अपना सिस्टम सही रखिएगा सर। हाँ आप बिल्कुल साफ आ रही है सर। हाँ मैं देखिए भटक गया ना, कभी कभी आदमी ना बीच में वो इस तरह से। तो ये धम्म की जो बात है, धम्म हर व्यक्ति पर लागू होता है। धम्म से इस दुनिया में कोई व्यक्ति बचा नहीं है। वो अलग बात है कि उसको धम्म का ज्ञान है अथवा नहीं है। भगवान बुद्ध ने जैसे एक वो धम्म देशना क्या करते थे, तो धम्म देशना के समय एक महिला बिचारी गरीब महिला थी, भगवान बुद्ध के पास जाती है, भगवान के मैं मेरे पास समय नहीं होता आपकी देशना सुनने के लिए, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताए कि मैं जो आप ये धम्म समझाते हैं मुझे जरा कम शब्दों में मुझे बता दीजिए कि धम्म क्या होता है। तो भगवान बुद्ध ने उसे बहुत कम शब्दों में धम्म को समझाया कि सब पापस्य एकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतन बुद्धं शासनं, कि हमें धम्म के अनुसार जो है हमें पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए। जितने भी पाप कर्म इस दुनिया में है उसके लिए भगवान बुद्ध ने, व्यक्ति जैसा होता था उसके अनुसार भगवान बुद्ध ने उनका मार्गदर्शन किया। जैसे गृहस्थों के लिए 5 शील दिए, तो गृहस्थों का, चूंकि गृहस्थों को बहुत सारी चीजें समाज में देखनी होती हैं, गृहस्थ बहुत सारे काम करते हैं, भिक्षुओं के लिए जैसे 227 दिए, भिक्षुओं के लिए उससे भी ज्यादा थे, लेकिन भगवान बुद्ध जब भी किसी को देशना देते थे तो उसकी जो मानसिक स्थिति होती थी, अर्थात जैसे कोई अध्यापक होता है तो जैसे बच्चे की मानसिक स्थिति होती है उस स्थिति के अनुसार उसको उसकी पढ़ाई की जाती है, उसको ज्ञान दिया जाता है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने गृहस्थों के लिए 5 शील दिए कि अगर ये 5 शील का पालन करेंगे तो इनके जीवन में जो ये शील है ये इनके जीवन में विकास और उन्नति का रास्ता प्रशस्त करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने 3 शब्दों, 3 बातें बताई कि हमें किसी पाप कर्म को नहीं करना चाहिए। पाप कर्म बहुत प्रकार के हो सकते हैं। आप वाणी से भी पाप कर सकते हैं, आप शरीर से भी पाप कर सकते हैं, आप और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप पाप कर सकते हो। पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए। और कुशल कर्म, अच्छे कार्य कोई भी हो सकता है। आप किसी की सहायता कर सकते हैं, तन मन धन से कर सकते हैं, आप विचारों से कर सकते हैं, आप किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो ऐसा पाप कर्म ना करें, यानी कि कुशल कर्मों का संचय करिएगा। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए धन को कमा करके उसको धीरे धीरे जोड़ते हैं, उसका संचय करते हैं, किस लिए करते हैं कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो परिवार है, वो उस पैसे से अपने जीवन को सही चला सके। उसी प्रकार से अगर हम पुण्य कर्म करेंगे तो वो पुण्य कर्मों का हमारा एक संचय होगा, और जब हम पुण्य कर्म करेंगे तो समाज में भी हमारा स्टेटस जो है अच्छा बनता है। सब लोग ऐसा कहते हैं कि ये आदमी बहुत शीलवान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है। पुण्य कर्मों का संचय करिएगा और अपना जो चित्त है, जो मन है, क्योंकि सारे जो पाप कर्म है वो मन से शुरू होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं वो सबसे पहले मन से शुरू होता है। हमें किसी को गाली देनी है तो पहले मन को तैयार करते हैं, हम गुस्सा करते हैं तो पहले वो मन पर अटैक करता है, और हमारे शरीर को सबसे पहले हमें स्वयं को सजा मिलनी शुरू हो जाती है। गुस्सा हम करते हैं लेकिन सजा स्वयं को मिलती है। व्यक्ति सोचता है कि मैं गुस्सा करके सामने वाले को सजा देने जा रहा हूं, नहीं, उसको तो सजा बाद में मिलेगी, पहले स्वयं को मिल जाती है। तो हमें अपने चित्त को पूर्ण रूप से निर्मल, यानी कि ऐसा करना नहीं हो जाए कि आप जो एक दुश्मन भी होता है उसके प्रति भी आपके मन में करुणा पैदा हो। तो भगवान बुद्ध ने 3 बातों में धम्म को समझा दिया, और धम्म को समझने के लिए इतना सारा लिटरेचर भगवान बुद्ध का है। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध उनका धम्म उसमें बहुत सारी चीजें उसमें दे दी गई हैं। तो हमें पाप कर्म नहीं करने चाहिए, कुशल कर्मों का संचय करना चाहिए,
और मन को चित्त को निर्मल करना चाहिए। अगर हम तीन बातों को भी अगर हम कर लें इनको और पांच शीलों का पालन कर ले तो मैं कह सकता हूँ कि दैट इज कॉल यू आर ए मतलब धम्मिक व्यक्ति हैं आप, एक धर्मशील व्यक्ति हैं। तो धर्म से कोई आदमी कहे कि मैं धर्म को नहीं मानता, मैं धार्मिक नहीं हूं, तो मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हर व्यक्ति धार्मिक है, परिवार में जाता है वो धर्म के अनुसार अपना जीवन जीता है। धर्म क्या है? हमारे जीवन में जो नियम है, जो शील है, जो नियम है, प्रकृति का नियम के अनुसार अगर जीते हैं तो समझो हम धर्म का पालन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मुझे आपने सुना, मैं सभी का साधुवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। एके सिंह जी, बहुत सिंह साहब, बहुत साधुवाद समझाया आपका, बहुत बहुत साधुवाद, मंगल हो आपका। बहुत सुंदर एके सिंह जी, सरल शब्दों में धर्म समझाया आपने। और नेक्स्ट कोई बोलना चाहे? एक सत्य प्रकाश जी, एक प्रमोद सिंह जी है क्या? डॉक्टर योगेश बोल रहा हूँ, नेशनल जनमत से। रमेश खटके जी का हाथ उठा हुआ है। सत्य प्रकाश जी, डॉक्टर योगेश बोल रहा हूँ। हाँ, कोई नहीं, एक एक मिनट योगेश जी। चलो इन द मीन टाइम बोले आप योगेश जी। जी, मैं एक थोड़ा सा एक सवाल था, जैसे हम ना साधुवाद कहते हैं या साधु कहते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? कई बार थोड़ा इसमें कंफ्यूजन सा रहता है कि साधु हम कहते हैं आपको बहुत साधुवाद, या फिर कई बार कुछ चीजों में साधु कहते हैं, क्या चीज है, दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, उससे कोई भी इसको थोड़ा सोल्व करने की कोशिश कीजिए प्लीज। यहाँ साधु के माने जैसे हम हिंदी में अंग्रेजी में थैंक यू बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब मैं बता देता हूँ उसका। हाँ बताइए। ये साधु के ना दो मतलब होते हैं। एक तो होता है कि शांत होना, साधु का मतलब है शांत होना। जो शांत व्यक्ति होता है उसको कहते हैं साधु है। शांत का मतलब जिसका चित्त और जिसका मन शांत हो जाए उसको साधु बोलते हैं। और दूसरा होता है सा धारण करने वाला, यानी कि निज को धारण करने वाला। निज को धारण करने वाला, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, से धा और उ। यानी जैसे से माने होता है निज स्वयं, और धारण धारण करना, और उ माने होता है धारण करने वाला। तो जब कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और वो बात अच्छी होती है तो हम तीन बार बोलते हैं, हमने ये धारण किया, हमने ये धारण किया, हमने ये धारण किया। तीन बार इसलिए बोलते हैं, एक बार मन से, एक बार वचन से, और एक बार कम में, यानी काम करने में लाना शरीर के साथ, काया के साथ। तो दो अर्थों में आता है। जब हम यहाँ तीन बार बोलते हैं साधु साधु साधु, इसका मतलब वो बहुत उत्तम बात है, अति उत्तम बात है, और मैं उसको धारण करता हूँ मन से, मैं उसको धारण करता हूँ वचन से, मैं उसको धारण करता हूँ कर्म से। और जब हम खाली साधु बोलते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के लिए जो शांत हो चुका है और जो साधना में है और जो साधना से मन का शांत चित्त हो चुका है उसको साधु बोलते हैं। साधुवाद की और बात करें, साधुवाद का बता। साधुवाद का मतलब है कि शांतवाद, यानी कि जो सुख में वाद है, यानी जैसे होता है, एक होता है आप वो हमेशा बोलते हैं मनुवाद, जो मनु की जो बातें हैं उसको मनुवाद हो गया, या हम बोले देशवाद, देश की बातें तो देशवाद हो गया। वाद माने बात होती है, वाद माने होता है बात करना, वाद विवाद से वाद बना हुआ है। तो साधुवाद का मतलब है कि शांतवाद, यानी कि बहुत ज्यादा शांत व्यक्तियों की बात है ये, बात है ये, तो साधुवाद हो गया इसका। और मैं उसको ग्रहण करता हूँ, ये भी भाव होता है उसमें कि ये सर, उसमें अगर हम ये कह देते हैं कि हाँ भी ये बता रहे ना अभी आपको साधुवाद, तो इसका मतलब सर क्या है? जो कोई अच्छी बात बोलता है और हम उसको कहते हैं आपको साधुवाद, तो क्या उसको साधुवाद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए उस जगह पे? दरअसल क्या है कि जो अच्छे शब्द होते हैं वो कई शब्दों में बाद में पर्यायवाची में आ जाते हैं। आपको साधुवाद बहुत पुराने प्रचलन में नहीं है, मगर हम चूंकि साधु साधु कहते हैं और ये बहुत पॉजिटिव और अच्छा वर्ड है, इसलिए पॉजिटिव अच्छे वर्ड का हम बहुत जगह यूज कर लेते हैं। तो हमने कहा जैसे आपको साधुवाद है, तो साधुवाद का मतलब है कि शांतवाद है, यानी आपके लिए भी शांत होने की भावना है, ऐसी हमारी भावना है कि आप भी शांत में रहें, ऐसा अंगीकार करें, ऐसा ग्रहण करें, आपके लिए साधुवाद है। तो इसको जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं धन्यवाद है,
तो यानी धन्य का मतलब धई होता है, धान से होता है। तो पहले हम कहते थे कि धईवाद है, यानी कि आपके घर में बहुत धान रहे, धन रहे, तो धई से धान बना, धान से धन्य बना। दरअसल जो धन है, पुराने समय में धन नहीं होता था, पुराने समय में जो धई होता था, धान जिसके यहाँ होता था, चावल जिसके यहाँ ज्यादा पैदा होते थे, उसको कहते थे। तो कहते थे कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा धन धान्य रहे, यानी कि जो धन और धान्य, बाद में धन बना फिर धान्य भी रहा। और आपने देखा होगा कि भगवान बुद्ध की जो क्या बोलते हैं माता है, उनके दाएं बाएं में एक फोटो मिलता है जिसमें जो कुंभ है, घड़े हैं, उसमें से कुछ वर्षा हो रही है, और बाद में उसको फोटो में उस वर्षा को सोने में दिखाया गया है। दरअसल सोने की गिनिया नहीं है, वो है धान के घड़े, जो धान के घड़े बरसाए जा रहे हैं, यानी कि इतना धान आता था वहां। धनकोट भी ये नाम इसी से पड़ा, जहां धान के कोठे भरे रहते थे लोग। हाँ, वो भी धान से पड़ा। तो उसी से बाद में हम धनवाद बोलते हैं कि जी आपके पास में बहुत ज्यादा धान रहे, धई रहे। फिर बाद में इसको थैंक यू में बदल दिया। अब ये भाषाएं बदलती रहती हैं। अब थैंक यू का मतलब तो होता है कि भाई आपके हम आभारी हैं, बेसिकली आपका आभार है, ये होता है थैंक यू का मतलब, इसको धन्यवाद से ले लिया। तो इस तरह से ये शब्द बदल जाते हैं। अच्छा सर, इसमें ना एक जगह, कई जगह एक जगह पढ़ने सुनने में आया, ऐसा बोलते हैं साधु साधु साधु, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, क्या ये भी है कुछ कई जगह? हाँ, ऐसा ना, जब हम ये कहते हैं कि ये जो किया है, ये धारण किया, तो मतलब हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि या तो मैं इसको धारण करूं या ऐसा ही हो, यानी कि जैसा आपने कहा है वैसा ही हो मेरे लिए, तो वो धारण करने का मतलब ही है। अर्थ वही है, मतलब मैं धारण करूं या ऐसा ही हो मेरे लिए, जैसे आपने धारण कर रखा वैसा मेरे लिए। आमीन भी वही है। और इंशा अल्लाह का, ईशा अल्लाह तो अल्लाह क्या है, अल्लाह की जैसी इच्छा हो। सुधीर जी, ईशा अल्लाह कहते हैं जैसा अल्लाह चाहे, जैसा अल्लाह चाहे, या ऐसा होना चाहिए अल्लाह चाहे ऐसा। अपने धर्म पे बात हो जाए तो ज्यादा अच्छी है। वैसे आज वैसे कवियों का, भाषाविदों का था, लेकिन मैं समझता हूँ धर्म सर हैंडरेज है, उनको ले लो सर, कटके सर है, और कटके साहब का हैंडरेज है। सर सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। ब्रह्मचक्र पवर्तन दिन की सभी को शुभेच्छाएं। आज ही के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इंसान बनाया धम्म देकर। मैं कुछ दो बातें बताना चाहता हूँ धम्म दीक्षा के कार्यक्रम के वक्त क्या हुआ था। एक तो ऐसी बात है कि जैसे दीक्षा का समारोह शुरू हो रहा था तो वामन राव जी गोडबोले के बारे में आपने सुना होगा, जो कि उस कार्यक्रम के वो स्वागताध्यक्ष थे, कार्यक्रम संयोजन समिति के वो अध्यक्ष भी थे, क्योंकि वो नागपुर से थे। तो उन्होंने जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे तो उस वक्त बाबा साहब उठकर खड़े हुए और उन्होंने वामन राव जी से कहा कि एक मिनट रुको, हम जो अभी धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम समारोह शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। ये दो बातें ऐतिहासिक है, बहुत ही बढ़िया महत्व रखती है। वो दो बातें ऐसी थी कि बाबा साहब ने कहा कि ये जो आज का समारोह जो हो रहा है ये केवल सिंपल या सादा सा कार्यक्रम नहीं है, इसका महत्व बहुत ही ऐतिहासिक है और इसका आने वाली जनरेशन को बहुत बड़ा महत्व बाद में जाके समझ में आएगा। तो बाबा साहब ने कहा कि रतन सुत्त की जो गाथा है वो गाथा मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो रतन सुत्त की गाथा है, यानी द भूतानी समागतानी भूमानी वायानी व अंत लिखे। तो वो जो गाथा है उसका अर्थ ऐसा है कि यानी द भूतानी समागतानी, इस संसार में जो भी लोग है, जो भूत लोग है, जो जीवित है, जो अंतरिक्ष में रहने वाले लोग है, जीवित है, प्राणी है, सभी को मैं यहाँ पर इस समारोह में आमंत्रित कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर जो लोग यहाँ पर है और जो लोग यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो सारे अंतरिक्ष के लोग यहाँ पर इस प्रोग्राम को धम्म दीक्षा लेने के लिए आमंत्रित है, तो यहाँ पर आइए और हमारी बात सुने। ये बात बाबा साहब ने कही। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि मैं धार्मिक क्यों बना, मैं धर्म में या धम्म में ज्यादा चाहत क्यों रखता हूं, मैं मूलतः धार्मिक आदमी क्यों हूं।
तो इसका संस्कार मेरे पिताजी की वजह से है। जैसे बाबा साहब बचपन में रामायण महाभारत ऐसी जो भी वहां के ग्रंथ थे उसका पठन करने से पहले किसी को भी खाना नहीं मिलता था बचपन में, तो ये आदत बाबा साहब को बचपन में उनके पिताजी ने लगा दी। और बाद में जाके बाबा साहब को जब बुद्ध का चरित्र जो दिया था उनके गुरुजी ने, तो केलुस्कर गुरुजी ने, उसके बाद बाबा साहब की बुद्ध धर्म के प्रति बहुत बड़ा लगाव हो गया। तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरे बीच में जो धर्म के बीज है वो बीज मेरे पिताजी की वजह से है। तो मैं इस प्रोग्राम में सम्मिलित सभी साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि वो खड़े हो जाए और मेरे माता और पिताजी के याद के उपलक्ष्य में सब खड़े होके उनको सम्मान दें। तो सारी प्रजा जितने भी 4-5 लाख लोग वहां पर थे वो खड़े हुए, बाबा साहब के माता पिताओं को उन्होंने नमन किया और फिर बाद में धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। ये दो बातें हुई। एक दूसरा मैं उसी क्षण के बारे में कहना चाहता हूँ, किसी ने लिखा है कि बाबा साहब ने संगम चरण गच्छामि कहने से मना कर दिया था, तो पहले दिन तक बाबा साहब की ऐसी सोच थी कि बुद्ध का धम्म का जो पतन हुआ है इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि भिक्खु संघ एक्टिव नहीं था, तो इसीलिए बाबा साहब पहले दिन तक राजी नहीं हुए। लेकिन जब शाम होटल में वो रुके थे वहां पर जब शाम को चर्चा हुई, वली सिंह आए थे श्रीलंका से और बौद्ध भिक्खु थे, कुछ चंद्रमणि भिक्खु के असिस्टेंट वहां भी थे, तो उन्होंने बहुत बाबा साहब को मनाने की कोशिश की संगम चरण कहना चाहिए, तो बाबा साहब पहले राजी नहीं थे। लेकिन वामनराव गोडबोले और वली सिंह ने यह बताया कि संगम शरण गच्छामि का अर्थ है कि भगवान बुद्ध भी संघ में समाविष्ट है। बुद्धं शरण गच्छामि, धम्मं शरण गच्छामि और संगम शरण गच्छामि, इसीलिए हमें कहना चाहिए कि भगवान बुद्ध भी संघ का हिस्सा है, इसीलिए भगवान बुद्ध को हम शरण जाते हैं, उनको नमन करते हैं, इसीलिए संगम शरण गच्छामि कहना ही चाहिए। फिर बाबा साहेब जाकर माने और दूसरे दिन संगम शरण गच्छामि का उच्चारण भी हुआ। तो ऐसी कुछ छोटी मोटी बातें हैं। और दूसरी बात जो है कि चिचोली जो दीक्षा भूमि के बगल में 10 किलोमीटर पर है नागपुर के, वहां पर बाबा साहब की सारी चीजें रखी है। वहां पर टाइपराइटर है जिस पर संविधान लिखा, जिस पर बुद्धायनिस धम्म की कॉपियां लिखी, बुद्धायनिस धम्म की मैनुस्क्रिप्ट भी हस्तलिखित है, संविधान की भी हस्तलिखित है, बाबा साहब के कोट है, शूज है, बटन्स है, पेन है, ऐसी सारी चीजें वहां पर रखी हुई है। तो वामनराव गोडबोले जी ने वहां पर सारी चीजें वहां पर बनाई रखी है। तो बाद में जब दीक्षा का समारोह जो हुआ था उसके बाद बाबा साहब वहां पर आए और सारे लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। हम लोग अभी सफेद कपड़े पहनते हैं, तो वहां पर जिसके पास सफेद कपड़े नहीं हुआ करते थे वहां पर उन्होंने फ्री में भी सफेद कपड़े लोगों को दे दिए गए थे और 5 लाख लोग वहां पर उपस्थित थे। इतना बड़ा ऐतिहासिक समारोह जो था, बाबा साहब जब उठने को धम्म दीक्षा होने के बाद जब उठे और संबोधित किया तो सारी प्रजा के आंखों में आंसू थे कि बाबा साहब ने एक ही दिन में 5 लाख लोगों को जानवरों से इंसान कैसा बना दिया। और दूसरे दिन फिर 15 अक्टूबर को बाबा साहब का सवेरे 9 बजे भी एक संबोधन हुआ, उसमें बाबा साहब ने काफी अच्छी बातें कही थी कि मैंने जो ये धम्म आपको दिया है ये हो सके तो इसको आगे लेके जाना, पर किसी भी हालत में इसे पीछे नहीं छोड़ना है। ये जिम्मेदारी सारी पब्लिक को बाबा साहब ने दी थी, वही जिम्मेदारी हम सबको निभानी है। अगर बाबा साहब का दिया हुआ वचन हम लोग निभाते हैं तो धम्म को हमें और आगे तक लेके जाना है। जिस किसी को धम्म का आस्वाद नहीं मिला है उनके पास हम लोग धम्म का ये जो आस्वाद है देंगे। और हमारा जो मूल कर्तव्य है कि बाबा साहब ने दिया हुआ जो धम्म है, जो कि आज के दिन दिया था, उसका ऐतिहासिक महत्व होने की वजह से हम यहाँ पर प्रतिज्ञा करेंगे कि हम ये जो बाबा साहब ने दिया हुआ अनमोल रत्न है, बुद्ध रत्न, धम्म रत्न और संघ रत्न, इसका लगाव जो हम रखेंगे और बड़ी शिद्दत से इसको आगे लेकर जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम। नमोबुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, जो कटके साहब ने अभी भूतानी शब्द इस्तेमाल किया है, कोई ये ना समझे कि ये भूत प्रेत वाला भूत है। भूतानी का मतलब जीव को बोलते हैं पाली में, जितने भी जीव हैं। अनंत लिखे का मतलब है आकाश में, अंतरिक्ष को आकाश अनंत लिखे बोलते हैं बराबर। तो हमारे जो लोग है ना कई बार भूत समझ के कहते हैं जी पाली भाषा में भूत प्रेत कुछ नहीं होता, भाई ध्यान रखना।
एक बाबा साहब के जीवन की घटना छोटी सी और बताना चाहूंगा कि भगवान बुद्ध बाबा साहब को लंका में जो लोग हमारे लोग रहते थे उन लोगों ने धम्म अपनाने के बाद बाबा साहब को श्रीलंका में आमंत्रित किया। उन्होंने अपना संगठन बनाया हुआ था वहां पर, तो बाबा साहब श्रीलंका गए और वहां स्टेज पर बाबा साहब ने एक जो बैनर लगा हुआ था वो पढ़ा, तो उस बैनर पे लिखा हुआ था कि अनुसूचित जाति श्रीलंका संगठन। तो बाबा साहब ने वो बैनर पढ़ा कि तुम श्रीलंका के अंदर आके भी तुम अनुसूचित जाति का बैनर लगा रहे हो, तुम यहाँ जो बौद्ध देश में रह रहे हो तुम यहाँ भी आके जाति भी छोड़ रहे हो। बाबा साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता था तुम इस बैनर के नीचे मुझे बुला रहे हो, तुम्हें आता भी नहीं यहाँ पर, तुम कम से कम यहाँ रह के तो धर्म को अपनाओ और धर्म के बैनर के नीचे काम करो। तो बाबा साहब का ये था कि आप जब तक जाति नहीं छोड़ोगे तब तक आप धर्म को नहीं अपना सकते ठीक से। तो इस बात को बाबा साहब की भी ग्रहण करें, जो भाई धर्म में आ रहे हैं वो जाति को कम से कम साथ ना लाएं, उसको वहीं से छोड़कर आए। तो ये श्रीलंका की घटना से मैंने कहा कि बाबा साहब नाराज हुए कि मैं आता ही नहीं तुम्हारी मीटिंग में, अगर तुम मुझे पता होता जाति के बैनर पे तुम प्रोग्राम कर रहे हो। सबको जो भी धर्म में आ रहे हैं उनको प्लीज अपनी जाति को वहीं पे छोड़ आए, उसको दोबारा से इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद, साधुवाद। हाँ डॉक्टर लाल सर, आपने बहुत अच्छी बात की। उसके बाद क्या हुआ वो भी एक थोड़ी सी छोटी कहानी है, बताएं। बाद में जो वहाँ के जो जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग थे श्रीलंका श्रीलंका में जो बसे हुए थे, उन्होंने बाद में श्रीलंका में ही बुद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी। बहुत अच्छा। हमारे नागपुर के प्रोग्राम के पहले ही ले ली गई थी उन लोगों ने। जी जी। हैंडरेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या योगेंद्र जी? डॉक्टर योगेश सर, सर मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे आज का दिन हम क्या धम्मचक प्रवर्तन के दिवस के रूप में मना रहे हैं, धम्म दीक्षा दिवस के रूप में, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन सा था। मैंने आज ग्रुप में भी लिखा था पर कोई ज्यादा जवाब नहीं आया इसके ऊपर भी, आखिर किस दिवस के रूप में हमें, क्योंकि आगे आने वाले समय भी इसको अब तो कम मन रहा है, फिर आगे ज्यादा भी इस पे सेलिब्रेट होगा, तो किस रूप में मनाना चाहिए। और दूसरा, जैसे डॉक्टर लाल ने ही कह दिया है, हमारे में से बहुत से लोग अपने नाम के पीछे, चाहे अगर वो उपजातियां भी हों, लेकिन वो लिख रहे हैं। सर कम से कम मतलब ये ग्रुप में जुड़ते समय भी कम से कम हमें इनको तो कम से कम छोड़ना चाहिए, ताकि ये लगे तो सही कि हम कुछ तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम ग्रुप में भी ज्वाइन करते हैं और फिर सारी चीजें वही लिखते हैं, तब तो इसका मतलब वही बहुत बात होगी कि जैसे तथागत ने कहा था कि समुद्र तो है लेकिन हम समुद्र के बाहर ही खड़े हैं तो उसका बेनिफिट नहीं है। ये दो बातें हैं, इनका भी अगर कुछ इन पे चर्चा हो जाए तो अच्छा है। सर मैं इस पर एक छोटी सी रचना के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। हेलो योगेंद्र जी, मुकुंद बंसोड़ बोल रहा हूँ सर। नहीं सर जी, मैं योगेंद्र जी पहले उनका जवाब लेने दो, पहले सवाल का जवाब दे दूं। योगेंद्र जी, हाँ डॉक्टर योगेश सर, डॉक्टर योगेश जी। योगेश देखिए क्या हो रहा है कि पूरे भारत में कुछ लोग तो 14 तारीख को मनाते हैं, 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दे, और कुछ लोग मनाते हैं दशहरे वाले दिन। इस बार तो खैर 14-15 दोनों पास पास पड़ी हैं, तो बाबा साहब का स्पष्ट जो आदेश है उनके पर्चे में जो लिखा हुआ है वो तारीख के साथ में अशोक विजय दशमी भी लिखा हुआ है, जो जो पर्चा उस समय आया था, और ये स्पष्ट था क्योंकि अशोक विजय दशमी ही हमें मनानी थी, तो अशोक विजय दशमी का ही एक कार्यक्रम, अगर हम यहाँ ना एक दिन पहले मनाते हैं उसको, जो भी कार्यक्रम होता है तो उसकी शाम को मनाते हैं, तो आज दरअसल धम्मचक का कार्यक्रम भी है और लेखकों का भी है, कवि का भी है, इसलिए आज यहाँ पे 22 प्रतिज्ञाएं भी पढ़ी गई हैं और पंचशील भी पढ़ा गया है और नमो तस्से भगवतो भी हुआ है आज का, तो आप इसको उस तरह से भी देख सकते हैं। नहीं सर मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर हम सभी एक हम यूनिफॉर्मिटी सोचे हैं कि अगर हम मनाने की कि पूरे भारतवर्ष में अगर जैसे मनाने की, अपना सिर्फ इसी ऊपर नहीं है कि हम इसको धम्म दीक्षा उत्सव है या, क्योंकि धम्मचक्र प्रवर्तन तो सर उस दिन आया था जिस दिन हम मतलब सोचते हैं तथागत ने
मतलब जो पांच पंच वज्ञ भिक्षु थे। अच्छा, आप तो धम्मचक्र पवत्तन और धम्म दीक्षा डे में कंफ्यूज हो रहे हो। डिफरेंस हाँ, देखिए ऐसा है, जो धम्मचक्र पवत्तन है वो तो भगवान बुद्ध ने किया था, वो तो एक ही बार होता है धम्मचक्र पवत्तन, ठीक है। तो इसको जो लोग धम्मचक्र पवत्तन लिखते हैं, चूंकि जब हमारा कोई महापुरुष होता है तो हम महापुरुष की अतिशयोक्ति में बातें लिखते हैं, क्योंकि अपने महापुरुष को कभी कमजोर करके या उसके काम को कमजोर करके नहीं लिखते, तो उसमें छूट होती है। बहुत से लोग इसको धम्मचक्र पवत्तन लिखते हैं, पवत्तन लिखते हैं, परिवर्तन लिखते हैं, बहुत इसको रिवाइवल डे लिखते हैं। और इसका जो सही नाम है वो है डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा डे, क्योंकि इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दी थी उस दिन, तो ये डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा डे है। और सही मायने में उन्होंने दीक्षा दी थी, मगर चूंकि विजयदशमी वाले दिन दी थी, इसलिए विजयदशमी वाले दिन सम्राट अशोक ने भी दीक्षा दी थी। और उन्होंने जो अपना एक प्रण लिया था कि मैं अपनी जनता के प्रति हिंसा नहीं करूंगा, मगर जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके प्रति उनकी हिंसा रह जाती थी, क्योंकि वो राजा थे और राजा का धर्म भिक्खु का धर्म नहीं होता, भिक्खु का अलग होता है, राजा का अलग होता है। तो उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति ये कहा कि मैं अपनी प्रजा पे वॉर नहीं करूंगा, देश के अंदर नहीं करूंगा, मगर बाउंड्री पर उनकी सेना इंटैक्ट थी और उनके राज्य में कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि उन्होंने तलवार रख दी, तलवार नहीं रखी, उनकी तलवार और मजबूत हो गई, क्योंकि जब उन्होंने प्रेम भाईचारा बढ़ा दिया तो सारी जनता उनके साथ हो गई। तो इसलिए जो अशोक विजयदशमी है उनके नाम से आता है, और डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा दिवस है वो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से आता है, मगर इस सबको हम मिला के धम्मचक्र पवत्तन डे भी बोल देते हैं। कुछ भिक्खु इस पर खास तौर से जो अम्बेडकर भिक्खु नहीं है वो इसको ऐतराज करते हैं, और वो तो इस पर भी ऐतराज करते हैं, जो हम बाबा साहब का 6 दिसंबर मनाते हैं और महापरिनिर्वाण दिवस बोलते हैं उस पर भी ऐतराज करते हैं, हालांकि वो क्या बोलते हैं बोधिसत्व है और बोधिसत्व का निर्वाण होता है। तो ये बातें छोटी छोटी हैं, मगर इन छोटी छोटी बातों में ना हमारा बहुत समय जा रहा है। अब तो हमें एक ही काम करना है कि भैया जो बाबा साहब ने कहा है कि जोड़ना है जोड़ना है, तो सारी चीजें सब बात की है और इन पर चर्चा करके कोई फायदा भी होता नहीं है, जिसको जैसा करना है करे, हम सभी अम्बेडकरवादी है और कोई समस्या नहीं है इसमें। जी सर, शुक्रिया आपका। और सम्राट अशोक का जो राज इतना लंबा रहा और उसमें सुरक्षा इतनी रही कि कभी उनके किसी पड़ोसी देश ने हमला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने संघ को इतना मजबूत कर दिया, और वही कॉन्सेप्ट अभी वेदी पीपल लेके चल रहा है, सम्राट अशोक से ये सीखा है। संघ मजबूत है तो आपकी सेनाएं यहाँ बॉर्डर पे रही, लेकिन किसी पड़ोसी की हिम्मत ही नहीं हुई कभी संघ मजबूत होने के कारण, तो कभी हमला ही नहीं हुआ उन पे, तो सेनाएं खाली बैठी रही, जरूरत भी नहीं पड़ी। एक कोई ये बताएगा कि बाबा साहब के लास्ट के कुछ दिन जब ये दीक्षा जो ली थी, उससे पहले वो ब्रह्मा गए थे और नेपाल भी गए थे, क्या कैसे ब्रह्मा से वो दीक्षा का समारोह अटेंड किया था या सभी की थी? कहते ब्रह्मा से लेके आए थे ये। सुधीरा जी बोलिए, मेरे को नहीं है। बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ था ना बर्मा में, तो वहाँ गए। कटके साहब बताएंगे, कटके साहब एक्सपर्ट है उसके। बाबा साहब जब बर्मा में गए थे तो वो पांचवी या छठी संगीति है, अब एग्जैक्ट पता नहीं मुझे, हो सकता है पांचवी संगीति हो, छठी थी, छठी संगीति, छठी थी, छठी, हाँ ठीक है सर, ठीक जी जी, छठी संगीति का आयोजन किया गया था और बाबा साहब वहां पर डॉक्टर सोनी जी के यहाँ रुके थे। डॉक्टर सोनी बहुत बड़े डॉक्टर हुआ करते थे जो बर्मा में थे उस वक्त के, और गोयनका गुरु जी के वो अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। तो बाबा साहब ने वहां पर विपश्यना के कोर्स का 10 दिन के कोर्स का रजिस्ट्रेशन भी किया था, 2 दिन बाबा साहब ने विपश्यना का कोर्स भी किया, लेकिन बाबा साहब के पैर में गैंग्रीन था और वो जो विपश्यना का जो हॉल था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, इसलिए बाबा साहब को आने जाने में तकलीफ होती थी, इसलिए बाबा साहब फिर वो डॉक्टर सोनी के घर पे ही रुके और वहीं पे उन्होंने 3-4 दिन तक विपश्यना का कोर्स भी किया है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ध्यान नहीं करते थे, बाबा साहब ने विपश्यना के बारे में कुछ भी जाना नहीं, उसमें जो सद्धम्म अधम्म धम्म का जो चैप्टर है उसमें भी लिखा है, और सतिपट्टान सूत्र के बारे में बुद्धयानी धम्म में कहा है। तो बाबा साहब की बर्मा में जो चर्चा हुई उसमें डॉक्टर सोनी, गोयनका गुरुजी और इनके बीच में चर्चा हुई थी, और बाबा साहब ने उसी दिन प्रस्ताव रखा कि कोई मुझे वैसे भिक्खु से दीक्षा लेनी है जो कि दुनिया का सबसे सीनियर मंक हो। तो पहले ये टीबीएमएस जो है ना, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के जो संस्थापक थे,
तो बनते संगरक्षिता, तो बनते संगरक्षिता जो मिलिट्री में के बाद इधर आए और उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी और उनकी काफी बाबा साहब के साथ 3 बैठकें हुई थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि मेरे जो गुरु है गुरु चंद्रमणि है, बाबा साहब आप क्या उनसे धम्म दीक्षा लेंगे। तो बाबा साहब ने वहां पर उनसे मुलाकात भी की, धम्म के बारे में चर्चा भी की और बाबा साहब ने उस वक्त ये डिक्लेयर किया था कि मैं बुद्ध के ऊपर, भगवान बुद्ध और उनके धम्म के ऊपर एक बहुत अच्छी किताब लिख रहा हूँ और वो किताब 1-2 साल में मैं पूरा करूंगा और मैं ऐसी धम्म दीक्षा लूंगा कि जो परंपरागत बुद्धिज्म को नहीं, आधुनिक विज्ञान और बुद्ध धम्म को इकट्ठा लाकर ऐसा नया धम्म मुझे लोगों के बीच देना है। क्योंकि बाबा साहब का मानना था कि बुद्ध धम्म में भी बहुत सारी अंधश्रद्धाएं, बहुत सारी मिलावटें हो चुकी है, इसीलिए उसको रिफाइन करना है, फाइन ट्यून करना है। तो वो चर्चा उनकी बर्मा में हुई थी वहां पर और बाबा साहब ने उस वक्त 20 पॉइंट प्रोग्राम भी बनाया था, उसमें सेमिनरी बनाने की सोची थी उन्होंने, उसके बाद कुछ भिक्कु को ट्रेनिंग देने की बात सोची थी, उपासक लोगों को भी धम्म दीक्षा का अधिकार देने की बात कही थी, ऐसे कि कुछ 20 पॉइंट्स बाबा साहब ने बनाए थे जिसका कि डिस्कशन वहां पर बर्मा के वहां पर हुआ था और बाबा साहब ने उस जो संगीति, उस संगीति को संबोधित भी किया था। तो ऐसी 2-4 घटनाएं वहां पर बाबा साहब के जीवन में हुई और तब से बाबा साहब ने गहराई से सोचना शुरू किया कि हमें बुद्ध का धम्म ही लेना है। तब तक बाबा साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी पॉलिटिकल इश्यूज में काफी व्यस्त थे, लेकिन वो जो संगीति हुई उस संगीति के बाद बाबा साहब ने बहुत गहराई से सोचा और फिर बुद्ध धम्म की ओर ज्यादा उनका रुझान हुआ। तो ये बर्मा की जो बाबा साहब की विजिट थी वो एक अपने आप में बहुत हिस्टोरिक विजिट थी और वहां पर धम्म को गहराई से समझा भी बाबा साहब ने। और कटके साहब वो ब्रह्मा वाला टाइम क्या था? 1955 में, मैं बर्मा गया जब सोनी जी के जहाँ रुके थे बाबा साहब, मैं वो घर भी देख के आया और जहाँ पर संगति हुई थी वो एक पहाड़ है, पूरा पहाड़ के अंदर एक गुफा बनाई हुई हाल है, उसमें वो धम्म संगति हुई थी। पाषाण गुहा, सोनी जी के घर रुके, पाषाण गुहा है, रंगून से कुछ दूर है वो, पाषाण गुहा करके उसको पाषाण वो है, पत्थर की पूरी, उसी में बौद्ध संगति हुई थी, मैं भी उसमें आमंत्रित था, वो अटेंड की थी और बाबा साहब जहाँ रुके थे सोनी जी के घर में, उनके घर भी जाने का मौका मिला और बाबा साहब ने उस समय रजिस्ट्रेशन करवाया था विपश्यना के लिए, आगे कोर्स करने के लिए, लेकिन बाबा साहब बीमार हो गए, वो अटेंड उसको नहीं कर पाए, इसलिए बाबा साहब ध्यान के बारे में, और जब तक बाबा साहब यहाँ रहे, बाबा साहब 1956 में उनका परिनिर्वाण हुआ और गोयनका जी 1960 में यहाँ 4 साल बाद विपश्यना भारत में आई बाबा साहब के पास, उस समय थी नहीं यहाँ, इसलिए बाबा साहब ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखा, अगर बाबा साहब के टाइम में आ गई होती तो इसके बारे में और ज्यादा लिखते। और सर वो 25 प्रोग्राम में बाबा साहब ने ये भी कहा था कि कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ध्यान को विरोध करते थे, लेकिन बाबा साहब का असल में ध्यान करने को कोई विरोध नहीं था, सिर्फ उनका यही कहना था कि हमारे लोग बहुत अनपढ़ है, अशिक्षित है, इसीलिए शिक्षा का ज्यादा महत्व है और सारे बुद्धिस्ट राष्ट्रों ने हमें शिक्षा के बारे में मदद करनी चाहिए, ये ज्यादा जोर देकर बाबा साहब ने कहा था उनको। अब वो तो समाधि तो धर्म का हिस्सा है ही, समाधि, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब समाधि के बारे में बताते नहीं है, ध्यान को अपोज करते थे, ऐसा भी किसी का कहना है? नहीं, वो तो समय समय पे भाषा का शब्द इस्तेमाल अलग अलग हुआ ना, उस समय समाधि कहा गया, अब चीन में उसको, यहाँ हम ध्यान कहते हैं तो चीन में इसको ज्ञान कहते हैं, तो हम ये थोड़ी कहेंगे वहाँ ज्ञान है तो कि ज्ञान तो इसमें नहीं लिखा है तो वहाँ नहीं करें, तो ये तो भाषा जैसे जैसे विकसित होगी उसमें अलग अलग शब्द इस्तेमाल होंगे इस समय के साथ। बराबर जी जी, वहां पे सर बाबा साहब ने धम्म को कैसे डेवलप करना है वहाँ बर्मा में, ये पूरा उनका जो भाषण हुआ था उसमें बताया था विधिवत तरीके से जी, क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से उपाय करने से धम्म का डेवलपमेंट होगा जी, तो उन्होंने ये कहा था कि जो हमें जैसे नागपुर में ये बना हुआ है उस तरीके से
हर शहरों में बड़े बड़े धम्म दीक्षा के केंद्र बनाने चाहिए, पूर्णकालीन हमको प्रचारक बनाने चाहिए धम्म के, और प्रत्येक रविवार को जो बैठना चाहिए जिसमें धम्म की बातें होनी चाहिए, और ढेर सारी बातें उन्होंने बताई थी। हाँ सर, ये 20-point प्रोग्राम बनाया था बाबा साहब ने, इसमें सारे मुद्दे सम्मिलित थे। और दूसरी बात ये भी कही थी बाबा साहब ने कि जैसा कि नागपुर में दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा, तो 16 दिसंबर 1956 को मुंबई में दीक्षा का प्रोग्राम अरेंज किया गया था, 14 अक्टूबर को नागपुर में हुआ, 16 अक्टूबर को चंद्रपुर में हुआ समारोह, 6 दिसंबर को बाबा साहब मुंबई में भी करना चाहते थे, और 4 विहारों का उन्होंने नींव रखने का भी सोचा था, एक चेन्नई, दिल्ली, मद्रास, चेन्नई, कल कोलकाता, मद्रास, मुंबई, ऐसे 4 जो थे नागपुर के साथ साथ बड़े महाविहार भी बनाना चाहते थे और सेमिनरी भी बनाना चाहते थे बाबा साहब, लेकिन उनके चले जाने की वजह से ये सारा काम अधूरा रह गया उस वक्त। जी सर ये तो हवर कब शुरू होगा सर जी? अभी अभी 10 मिनट तो रहे हैं। ये कोई जितने भी महान लोग हुए ना सर, इन्होंने अपना मति देने की कोशिश की, जिस प्रकार से अकबर ने भी दीन इलाही चलाया था, मुस्लिम से भी मतलब थोड़ा सा उनका नया रूप बना के अकबर सम्राट ने भी दीन इलाही एक नया धर्म का स्वरूप दिया था, तो इसी प्रकार बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म में से भी कुछ नया एकदम वैज्ञानिक बात जोड़ के और धम्म का एक नया स्वरूप प्रदान किया था हमारे बुद्ध धर्म तो सारा ही वैज्ञानिक है। ये तो सत्य पे आधारित है, आप इस बार इस तरह का नहीं कहिए कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया था बुद्ध धर्म नहीं सर, उसमें भी बहुत आ गई थी ना बाद में वज्रयान और ये बहुत मतलब पाखंडवाद भी पनप गया था उसके। ये कोई भगवान बुद्ध ने थोड़ी दिया था, नहीं नहीं मतलब भगवान बुद्ध ने नहीं दिया, लेकिन लोगों में तो दिया था। बुराइयां आ गई थी तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं इसीलिए करवाई थी, उन्होंने वैसे मना कर दिया था भी मैं इस रूप में नहीं लूंगा धम्म दीक्षा, ऐसे ही सब आने लगे। बराबर, लेकिन दूसरी बात यह भी है सर कि कुछ बातें जैसे अभी सुधीर राज सिंह सर आप हमको बहुत बार बताते हैं कि इस चीज का क्या महत्व है, इस शब्द का रियल में अर्थ क्या है, तो बाबा साहब को उस वक्त कंफ्यूजन लगे होंगे, इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि पुराने सारे शब्दों के साथ जो कि हिंदुइज्म से जुड़े थे वही लेकर लेकर हम लोग चलेंगे, इसीलिए फिर फाइन ट्यून करने के लिए 22 प्रतिज्ञा दी ताकि हम लोग उस तरफ मुड़े ही नहीं और जो एक बार का सब कुछ छोड़ दे और नया रास्ता अपनाए और बुद्धिज्म को एकदम फाइन ट्यून साइंटिफिक ढंग से अपनाए, इसीलिए भी सोच होंगी उनकी भाई। लोग पूजा पाठ करने लग गए थे ना, इसी तरह धम्म में भी तो सारा कुछ हो गया था ना। बाबा साहब के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब ही यही होता है, हम सभी लोग संबोधन में बाबा साहब को बोधिसत्व के नाम से संबोधित करते हैं, बोधिसत्व का मतलब है जो व्यक्ति बुद्ध बनने के लिए प्रयासरत हो, वो जो काम बाबा साहेब को करना था परम पूज्य बाबा साहेब को, वो किन्हीं कारणों बस चूंकि वो असमय चले गए, उनके कार्य को पूज्य गुरु सत्यनारायण गोरिका जी जो है वर्मा से और धर्म को लेकर के हमारे देश में आए, पुनः धर्म जो है अपने देश में स्थापित किया उन्होंने, वो शायद परम पूज्य बाबा साहब के धर्म को जो कि उनको लाना था यहाँ देश के अंदर, वो उन्होंने काम वो पुण्य काम पूज्य गुरु गोयनका जी ने किया। जी जी, तो ये जो बोधिसत्व हम सब लोग संबोधन में जो शब्द प्रयोग करते हैं बोधिसत्व, बोधिसत्व का मतलब ही यही है कि वह व्यक्ति जो बुद्ध बनने के लिए बुद्ध कोई वो नाम विशेष नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, वो एक डिग्री है, एक तरीके से एक इनलाइटमेंट है, इनलाइटमेंट की डिग्री है, एक श्रेणी है, डिग्री है, तो वो बुद्ध बनने के लिए प्रयासरत, जैसे कोई व्यक्ति कभी कोई इलेक्शन लड़ता है चाहे एमपी या एमएलए कोई इलेक्शन लड़ता है तो वो इलेक्शन के लिए पर्चा दाखिल करता है लेकिन वो किसी कारणों बस इलेक्शन हार जाता है और नहीं जीत पाता है, लेकिन वो प्रत्याशी होता है, एमएलए का प्रत्याशी होता है और एमपी का प्रत्याशी होता है, ऐसे ही
बोधिसत्व प्रत्याशी थे। बोधिसत्व शब्द जो है वो प्रत्याशा का शब्द है। प्रत्याशा किस बात की? बुद्ध बनने की प्रत्याशा। तो जो पुण्य काम इस धर्म को, भगवान के धर्म को अपने देश के अंदर लाने का बाबा साहेब को करना था, वो किन्हीं कारणों बस अपने स्वास्थ्य को लेकर के असमय हम लोगों के बीच से चले गए। वो पुण्य काम पूज्य गुरु गोयनका जी के द्वारा किया गया। थैंक यू ओपी गौतम जी, डॉक्टर साहब। एंड्रेज आईफोन जी का, हाँ, उस बोधिसत्व जो होता है वो एक ऐसी अवस्था होती है जो इस मार्ग पे चलता है तो चल के कहीं रुक भी जाता है या वापिस भी आने का डर होता है, लेकिन जो उस अवस्था पे पहुंच जाए कि जो वापिस नहीं आएगा उस रास्ते से, वो आगे ही बढ़ेगा, बोधिसत्व उस अवस्था का भी नाम। नथिंग टू कम बैक, ये टू फर्दर गो ओनली ऑन दिस पाथ टू बिकम बुद्धा, नॉट टू रिट्रेट दैट स्टेट ऑफ माइंड वन रीचेस, दे आर वन कॉल्ड बोधिसत्वस। हिस्ट्री में सर अशोक महान को भी द्वितीय बुद्ध की संज्ञा दी जाती है, अशोक सम्राट को द्वितीय बुद्ध कहा जाता है। बोधिसत्व नहीं, नहीं मतलब द्वितीय बौद्ध ही कहा जाता है अशोक महान। नहीं नहीं बुद्ध नहीं, ये पढ़ा है सर मैंने, एक सुनाया है। कोई नहीं द्वितीय बुद्ध शासन को हम सब लोग जब पढ़ेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। द्वितीय बुद्ध शासन नहीं, द्वितीय बुद्ध। एक बार ये एंड्रेज है हमारे श्रीनगर से है, आईफोन ये बड़े। हेलो दोनों तरफ भी लगा दिए बोले एंड्रेज आपका आईफोन। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, सभी को जय भीम। अभी जो ओपी गौतम जी ने जो बोधिसत्व के बारे में जो वर्णन किया है वो काफी मतलब अच्छा था, और उनके बाद में जो अभी बता रहे थे उनका भी काफी, और जो सुधीर राज जी हैं, सुधीर राज जी तो बहुत ही अच्छा मतलब वर्णन करते हैं। कोई भी सब्जेक्ट उनको दे दे, कोई भी किसी पर भी उनको बोलने के लिए कहें तो वो मतलब बहुत ही अच्छा वर्णन करते हैं, और काफी नॉलेज है सुधीर राज जी को, और हम सुधीर राज जी के माध्यम से ही जुड़े हैं इसमें, और मैंने और भी लोगों को जोड़ा है। आज मैंने लिंक भेजा था अपने साथी को शीशपाल जी को, वो भी जुड़े हैं शायद आज। हाँ, मैं तो अभी जुड़ा हूँ। हाँ जी हाँ जी, तो वो भी जुड़े हैं, और भी लोगों को जोड़ेंगे। आप अपना अच्छा अपना परिचय दे दें या आप कहाँ मतलब इस टाइम। हाँ मैं परिचय देता हूँ। मैं ASI हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में। अभी मैं PCR में ड्यूटी है मेरी, सीमापुरी चल रही है, सीमापुरी थाने के अंडर में अभी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। मैं मोस्टली जब ऑन ड्यूटी में ही जुड़ पाता हूँ, क्योंकि अभी डेली नाइट ड्यूटी चल रही है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा जुड़ूं ताकि कुछ ज्ञान हम लोग आप लोगों से प्राप्त कर सकें, क्योंकि आप लोगों के तो ज्ञान का भंडार है। जितने भी यहाँ बुद्धिजीवी इसमें जो जुड़े हैं, जो बहल साहब हैं, और एक दिन मैं उनको भी सुन रहा था जो करकरे साहब थे, और डॉक्टर मधु हैं, और एक जामिया मिलिया की प्रोफेसर हैं, वो भी मतलब बहुत सारे नाम हैं जो मतलब सभी बुद्धिजीवी हैं, और काफी हम लोगों को उन लोगों से प्रेरणा मिलती है और सीखने को भी मिलता है। तो बस मैं ज्यादा कुछ ना कह करके यही कहूंगा, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, और ये मिशन आगे चलता रहे बाबा साहब का। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि हम लोगों को अपने जो गरीब साथी हैं, जहां से हम निकल के आए हैं, पे बैक टू सोसाइटी, हमें उन लोगों के बीच जाना चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको आपकी आवाज जा रही है। आप बोले B9AE7, आप हैंड रेज कर रहे हैं हाथ से, B9AE7 आपने नाम नहीं लिखा, शायद फर्स्ट टाइम जुड़े हैं।
परियार सर सभी हमारे बीच में राजेश कांबले साहब हैं मुंबई से। एक मिनट, जो साथी कोई भी नए जुड़े हैं परिचय जरूर दें। B9AE7EC ये बताएं, बोले हैंड्रेज वैसे कर रहे थे। आपका माइक अनम्यूट करें, माइक अनम्यूट नहीं आपका। माइक को अनम्यूट करें। नहीं नहीं किया इन्होंने। माइक अनम्यूट नहीं हुआ अभी भी आपका माइक लेफ्ट। अब हो गया। हाँ, मेरे आवाज मिल रही है आपको? हाँ, नवोदास सभी को। जी। मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। नाम बताएं। और मैं मेरा नाम अतर सिंह है। मैं इंडियन रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर मुरादाबाद में वर्क प्लेस है मेरा। और मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। मैं ये गुलाब सिंह जी है दिल्ली से, उनके माध्यम से जुड़ा हूँ। और आप सब लोग ठीक है? आपकी बात मैंने सुनी आज फर्स्ट टाइम, तो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें आप कर रहे हैं और इससे जुड़कर मुझे बहुत लाभ होगा। जय भीम नवोदय। आर यू ग्रेटिंग माय वॉइस? थैंक यू रतनलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप रोज जुड़े, 8 से 11 टाइम होता है मीटिंग का दिल्ली। अच्छा ठीक है, आप अपना नंबर भी चैट बॉक्स में जोड़ दो सर। आप परियार सर, हमारे बीच राजेश कांबले साहब हैं मुंबई से। बोले कौन बोल रहे थे आप? परियार सर, राजेश कांबले साहब हैं मुंबई से। राजेश कांबले जी, कांबले साहब अपना परिचय दीजिए और एक साथ दो मिनट बात कीजिए। हाँ जी जी, कांबले जी, राजेश कांबले साहब, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, सभी को, सभी ने आवाज आ रही है? आ रही है, बोले बोले कामले साहब। सभी को, सभी ने जय भीम और धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आई थिंक मैं सभी को सुन रहा था अभी कि बोधिसत्व बाबा साहब क्यों कहलाए गए हैं, और तो मैं आज कोई विशेष बात नहीं रखना चाहूंगा। मैं सिर्फ एक या दो मिनट ही बात कर पाऊं करना चाहता हूं, और वो ये है कि हमने अभी हमारा जो बुद्ध विहारों की तरफ जो मूवमेंट चलनी चाहिए, विहारों की तरफ हमारा जो समाज जाना चाहिए, उसके लिए हमने कम से कम औरंगाबाद में 8 बुद्ध विहार आइडेंटिफाई करके उनको पूरे खुलवाए हैं, और वहां पे हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको धम्म और शिक्षा दोनों का ही हम ज्ञान देना चालू कर दिए। अगर मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो सकती है तो मैं मेरा स्क्रीन तुरंत ही शेयर करके हो सकती है कर सकता हूं मैं सर कटके सर एक मिनट के लिए आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। साहब आपको अभी टाइम लगेगा, आपको शेयर करने के लिए उपकरण बनाना पड़ेगा और 12-13 ही मिनट तो बस उतना ही चाहते हैं। धम वाले दिन आप बता रहे हैं, धम 2 दिन होते हैं अपने धम के, 1 तारीख और 16 और 15 हाँ जी। तो हम अभी हमारे मेन बच्चों को उधर पे ले जाने का बड़ा कार्यक्रम सिर्फ प्लान ही नहीं बल्कि उसके ऊपर अभी अमल भी कर दिए है। ऑलरेडी कम से कम 150 बच्चों को लेके हम धम्म की शिक्षा भी देना चालू कर दिए है। 8 बुद्ध विहार खुल गए हैं और 8 बुद्ध विहार जहाँ पे सुबह से शाम तक जहाँ लोग बीड़ी पीते बैठते थे या वगैरह कोई अनैतिक चीजें होती थी, वो सारी अभी प्रॉपरली चलना चालू हो गई है। मैं यही चाहता हूँ कि लाइक इस वक्त बुद्ध की राह पे जाना बहुत जरूरी है, और हमें जो यंग जनरेशन है, हमारा जो नेक्स्ट सक्सेशन है,
उनको वहां पे ले जाना जरूरी है और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू कामले साहब। एक हैंड रेज है भारत कुमार बोध का। हेलो भारत कुमार बोध जी। जी सर बोले। सभी धम बंधुओं को जय भीम नमो बुद्धाय सर। और मैं आज धम दीक्षा पर्व का सभी को हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। मेरा परिचय यह सर कि मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूं और वर्तमान समय में मैं आसाम के शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूं, पैरामिलिट्री फोर्स में हूं मैं और अभी वर्तमान समय में ड्यूटी पर ही हूं। मुझे कम समय मिलता है वेबिनार में जुड़ने का, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ड्यूटी के चलते मैं मिल नहीं पाता हूँ। अभी मैं काफी टाइम से बुद्धिजीवी लोगों को सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी विचारधारा है। मुझे बहुत खुशी है कि बाबा साहब का मिशन और बाबा साहब का जो कारवा है आप सभी बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन से फोर्स में सर आप? सर मैं सिपाही की रैंक पे हूँ सर। नहीं फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स CISF सर। CISF जी सर। ठीक ठीक। तो सर मैं भी आसाम में हूँ ना, काफी जुड़ते हैं अपने साथी। अच्छा सर आसाम में कहाँ पर? सत्यवान जी होंगे, प्रियार जी, सत्यवान जी भी है, एक और भी है उन्होंने। सत्यवान जी लामडिंग में, लामडिंग में भारत कुमार जी के लिए सैल्यूट। हाँ सर मैं कुछ कहना चाह रहा था सर। बोलिए बोलिए सर। कि सर आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत ही मंगलमय और बहुत ही उत्तम दिन है। वैसे तो दिन तो 365 दिन सभी उत्तम है अपने, हम बौद्धिस्ट लोग हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे चलने वाले आदमी हैं, हमारा कोई शुभ और कोई अशुभ नहीं है, केवल अगर हमारे कर्म गलत है तो वही अशुभ है। बाबा साहब ने और तथागत बुद्ध ने कहा कि 365 दिन है, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखोगे तो सब उत्तम है, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो आज का दिन जो 14 अक्टूबर, बाबा साहब ने लेकिन 14 अक्टूबर को नहीं चुना था धम्म दीक्षा के लिए, वो तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 14 अक्टूबर पड़ा उस दिन दशहरा। उन्होंने तो चुना था अशोक विजय दशमी का दिन चुना था उन्होंने, वो अश्विन पूर्णिमा, इसलिए अश्विन पूर्णिमा अशोक विजय दशमी का दिन चुन के ही उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी उस दिन। इसलिए हमें सभी धम्म बंधुओं को अपने आचरण में कभी भी यह नहीं बोलना चाहिए कि 14 अप्रैल 1956 को बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, नहीं, हमें यह कहना चाहिए कि अशोक विजय बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली और वह भी 14 लाख लोगों के साथ में नागपुर के धम्म भूमि में। सही सही कहा भरत कुमार जी। बिल्कुल भरत कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बराबर कहा सर जी, आप सैल्यूट है आपको, आप इतनी मतलब ऐसी जगह रह के अपना जुड़े हुए हैं और साथियों को भी ऐसे जोड़े, आपको परिवार की तरह यहाँ सब महसूस होता होगा। मेरे परिवार में सर हम मैं 4 भाई हैं और 1 सिस्टर है, हम 400-500 की विचारधारा एक ही है और सबसे बड़ा सौभाग्य तो सर मेरे माता पिता का है कि वो एक उम्र दराज होने के बावजूद हमारे साथ हैं और धम्म की तरफ चल रहे हैं, सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का। हालांकि हमने भी धम्म दीक्षा ली नहीं है, लेकिन हम 10-15 साल से ही एक तरह से धमी समझ लीजिए, क्योंकि हम कोई आडंबर, कोई अंधविश्वास, कोई पाखंड, कोई त्योहार, कोई तीज, कोई यानी कि पर्व और कोई भी देवी देवता, कोई तीर्थ कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम पहले एक गुरु के सानिध्य में थे और गुरु ने हमें आडंबर पाखंड से दूर रखा और अब सानिध्य मिल गया हमें बाबा साहब का और तथागत बुद्ध का, तो ये तो स्वागत हो गया। भारत जी एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि आप ये ना समझे कि मैंने दीक्षा नहीं ली, हम जन्मजात बोधि ही हैं जी सर, बिल्कुल सही। अगर हर धर्म में एक संस्कार होता है, हिंदू धर्म में भी एक संस्कार होता है और मैं समझता हूँ कि वो संस्कार ना तो आपके पिताजी का हुआ होगा, ना आपके दादा का हुआ होगा, ना आपके परदादा का हुआ होगा, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। और उपनयन संस्कार हिंदू धर्म में केवल हिंदू का होता है,
तो हम जो लोग हैं, हम लोग जन्मजात, हमारे अंदर जो ब्लड है वो बोधि ही है। तो हम ये कभी इस बात को न समझे न कहें कि हमने दीक्षा नहीं ली, हम तो जन्मजात ही बौद्ध है, बस हम भटके हुए रहे हैं, हमें किसी ने गुमराह किया और आज भी हमारे लोग गुमराह हुए हैं, हमें अपने घर की पहचान नहीं हो पाई। आपको पहचान है, आपके पूर्वजों को पहचान थी, आपके मम्मी पापा साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, ऐसे मम्मी पापा सभी को मिले। और मैं आपके लिए सैल्यूट करता हूं कि आप इतने बिजी शेड्यूल में से भी आज इस संघ को आप मजबूत बना रहे हैं। इसका पैटर्न बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद सर। अशोक मुझे 10 मिनट सर, अगर आपका आपका आग्रह हो तो सर मैं अशोक विजय दशमी पर कुछ लाइन बताना चाहता हूं कि अशोक विजय दशमी कलिंग युद्ध जीतने के बाद में सम्राट अशोक ने उस दिन विजय दशमी थी, सॉरी उस दिन तो उस दशमी को दिया गया सर्वप्रथम। और उन्होंने उसी दिन जब वो हर्ष उल्लास मना रहे थे अपने नगर के अंदर, खुशियां मना रहे थे, पर्व मना रहे थे नगर के अंदर, यानी कि गरीबों को, दीन दुखियों को, यानी कि पुरस्कार बांट रहे थे, उपहार बांट रहे थे, दान दे रहे थे, अन्न बांट रहे थे, वो एक जश्न मना रहे थे, खुशी मना रहे थे कि आज अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वो दशमी थी। लेकिन उसी दिन उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ली थी साहब, ये शायद ध्यान किसी को है या नहीं होगा, मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से। सही बात। उसी दिन उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी और वो धम्म दीक्षा एक 17 साल के भिक्षु से, 17 साल के बंधे जिससे उन्होंने धम्म दीक्षा ली थी। उसका कारण यह बना गया था कि जब वो बौद्ध भिक्षुओं को दान दे रहे थे, तो वो बौद्ध भिक्षु दान ले रहे थे, उस टाइम एक 17 साल का भिक्षु वो ये कहता, बोले कि राजन आप किस खुशी के अंदर ये उपहार बांट रहे हो? तो बोलता है सम्राट अशोक, बोले कि मैंने विजय प्राप्त किया है कलिंग पर, मैं जीत गया, बोले इसलिए उस जीत की खुशी के अंदर मैं ये उपहार बांट रहा हूं। तो उस 17 साल के भिक्षु ने यह कहा था, बोले कि राजन आप जीते नहीं, आप हार गए। बड़ा आश्चर्य हुआ सम्राट अशोक को, बोले कि पूरा नगर जानता है, पूरा देश जानता है, पूरी जनता जानती है कि सम्राट अशोक जीत गया और खुशियां मना रहे, तो बंते जी आप कैसे कह रहे हैं कि मैं हार गया, मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण करके बताइए। तो उन्होंने कहा, बोले कि राजन आप हार ही गए। तो इसका उन्होंने स्पष्टीकरण करके ये बताया कि आप किस बेस से कह सकते हो, किस हिसाब से कह सकते हो कि मैं विजय हो गया, केवल सीमाएं जीतने पर, केवल राज्य जीतने पर जीत गए? नहीं, आप एक बार नजर पसार के देखिए, आपकी नजरों के सामने लाखों लाशें पड़ी हुई है, खून की नदियां बही हुई है, और वो मरने वाले किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी का पति है, किसी का बेटा है। जाके उन परिवारों से पूछिए कि वह क्या वो हमारी खुशी के अंदर, हमारी जीत की खुशी में वो शामिल है, क्या वो इस पर्व के अंदर जश्न मना रहे हैं? तो सम्राट अशोक ने कहा कि बंते जी बिल्कुल सही कहा आपने, वो लोग उस सर आंकड़ों के हिसाब से बताया जाता है कि कलिंग युद्ध जीतने के बाद में दोनों पक्षों के 2.5 लाख आदमी मरे थे। तो वो बताए, बोले कि उन मरने वाले परिवारों के लोग कभी भी मेरी जीत में यानी जश्न नहीं मनाएंगे, इसलिए साहब मैं वाक्य में आपने कहा मैं हार गया। तो बोले कि हार का प्रायश्चित कैसे हो? बोले कि हार का प्रायश्चित वही होगा तब आज से आप अगर हथियार डाल दोगे, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाओगे और ये प्रण लोगे कि मैं आज से दीन दुखियों की, गरीबों की, बेसहारों की, उनकी सहायता करूंगा, उनकी शिक्षा का प्रबंध कराऊंगा, उनके अन्न का प्रबंध कराऊंगा, उनको यानी कि खाने पीने का प्रबंध कराऊंगा हथियार डाल करके, अगर आप ये प्रण लोगे तभी आप जीते हुए होंगे, नहीं तो आप हारे हुए हो। तो सम्राट अशोक ने कहा, बोले कि यस बिल्कुल सही बताया आपने, बोले कि मैं आज से ये प्रण लेता हूं कि मैं आज के बाद में कभी अस्त्र छूंगा नहीं। तो उन्होंने प्रण लेने के बाद में कहा, बोले प्रण लेने के अलावा आपको एक और शपथ लेनी पड़ेगी, किस चीज का प्रण ले रहे हो आप, किसके सामने प्रण ले रहे हो आप?
बोले कि फिर उन्होंने 17 साल के जो भिक्खु थे ना, उन्होंने उनके सामने तथागत बुद्ध की जीवन काल की पूरी यानी की ग्रंथावली, पूरा शास्त्र यानी कि जो भी था उनको उन्होंने बोल के बताया। काफी टाइम लगा उनके पूरे विचार को समझाया, पूरे ज्ञान को यानी कि खोल के बताया। तब सम्राट अशोक ने सोचा कि तथागत बुद्ध इतने महान पुरुष थे, इतने करुणा निधीन थे, जिन्होंने यानी कि इतना सब कुछ जीत लिया, उन्होंने राजपाट त्याग दिया उन्होंने। तब उन्होंने प्रण किया कि बंते जी मैं आज से बुद्ध की शरण में आता हूँ, बोले आज से मैं संघ की शरण में आता हूँ, आज से मैं धम्म की शरण में आता हूँ। तो बोले कि शरण में आने से पार नहीं पड़ेगी, 17 साल की भिक्खु जी बोल रहे हैं, बोले कि संघ में आने से ही पार नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको कुछ दान भी करना पड़ेगा। तो सम्राट अशोक ने बोला, बोले कि भंते जी बोलिए आपको क्या चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। बोले कहाँ सब कुछ आपके पास है राजन, आपके पास कहाँ सब कुछ है, आप तो हार चुके, आपके पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने विचार किया सम्राट अशोक ने, बोले कि हाँ ये तो मैं तो सब कुछ हार चुका, मेरे पास क्या है जो मैं इनको दे सकता हूं। तो उन्होंने विचार करके कहा, बोले भंते जी मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है और मेरे दो बच्चे हैं, वो मैं आपको दान दे सकता हूँ। बोले कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे केवल वैचारिक रूप से आपके हैं, वैसे नहीं है वो आपके, आपको उनकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वो संघ में आना चाहेंगे, वो धम्म में आना चाहेंगे, अगर नहीं आए तो वो आपके हुए कैसे। तो फिर भी सम्राट अशोक ने भंते जी के सामने नमन किया और बात को माना। फिर उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को कहा, बोले कि मैं आज से धम्म की शरण में जा रहा हूँ, संघ की शरण में जा रहा हूँ, क्या आप मेरे साथ हो। तो उनके बच्चों ने, दो एक लड़का एक लड़की था, नाम शायद महेंद्र और संघमित्रा नाम था शायद, अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। और उनकी पत्नी ने उनका समर्थन करते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं और हमें आप दान करना चाहोगे तो हम दान होने के लिए तैयार। तब सम्राट अशोक ने अपने दोनों पुत्र को श्रीलंका भेजा था, जिसको आज हम श्रीलंका कहते हैं, हो सकता कि पहले वो सिलोन था, किस नाम से था, हाँ सिलोन नाम था उसका, सिलोन था, सन 72 में श्रीलंका पड़ा उसका, 72 में, 72 में श्रीलंका पड़ा था। तो उन्होंने पहले सिलोन था उन्होंने, हाँ। तो सर फिर उन्होंने जब दान कर दिया अपने पुत्रों का, तो बंते जी को ये वचन दिया कि मैं आज से धम्म का प्रचार करूंगा, आज से संघ का प्रचार करूंगा, आपसे आज से यानी कि मैं बौद्ध का प्रचार करूंगा, धर्म का प्रचार करूंगा। तब उन्होंने अपने पुत्र को श्रीलंका सिलोन भेजा था उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार के लिए। उस दिन से ही पूरे विश्व के अंदर सम्राट अशोक ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था और 84,000 बौद्ध स्तूप भी बनवाए थे। और यानी कि काफी उन्होंने उस काल के अंदर बताते हैं, बोले कि नगर के अंदर जो सड़कें होती थी उनके किनारों पर पेड़ों की लगवाना, जो आज भी हमारे कई शहरों के अंदर है, मनुवादों ने उनको कटवा दिया क्योंकि उनको पसंद नहीं आई व्यवस्था को। तो तथागत बुद्ध के उस विचार को सुन के सम्राट अशोक बौद्ध की तरफ आए और उस टाइम से भारत बुद्ध की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 10वें सम्राट भरदत्त मौर्य को उसी विजय दशमी के दिन, जब विजय अशोक विजय दशमी का पर्व मनाया जा रहा था हर साल, तो भरदत्त मौर्य उस मेले के अंदर थे, उस समारोह में थे, तो वो धूर्त पुष्यमित्र सुंग उसने छल कपट से उस अशोक विजय दशमी के दिन उनकी हत्या कर दी थी। इसलिए आज ये लोग विजय दशमी के दिन दशहरा मनाते हैं। ये सर मेरे विचार था, ये मैंने पढ़ा था, जो आपके सामने मैंने रखा। अगर मेरे विचारों में और मेरे शब्दों में अगर कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। भरत कुमार, थैंक यू भरत कुमार जी आपके इस नॉलेज के लिए। भरत कुमार बहुत साहब, वो जो भिक्खु थे उनका नाम निग्रोध भिक्खु था, वो जो 17 साल के जो भिक्खु थे ना, अच्छा था वो। दूसरी बात ऐसी है कि भंते निग्रोध ने उनको जो प्रवचन दिया था उनसे वो सम्राट अशोक प्रभावित हुए। बाद में जाके भंते तिस्स थे जो संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे,
वो तीस भंते जी के अध्यक्षता में उनका फिर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और भरत कुमार जी उनकी भिक्षु की उम्र 17 साल नहीं थी, 10 साल थी। वो उनके उनके भाई के बेटे थे जो मैंने पढ़ा है, वो उनके भाई के बेटे थे, वो भतीजा था, वो बड़ा छोटा 9-10 भी नहीं, 7-8 साल का था वो। अशोक ने उसी भाई का कत्ल भी किया था। यस यस, उसी का बेटा था, कत्ल किया था उसकी भाभी और वो भागे हुए बाहर से कान बची और कैसे सुशीम का लड़का था वो। हाँ सुशीम, 10 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। सर मेरे पास इतनी जानकारी थी, मैंने आपके समक्ष रखी। कोई बात नहीं, चलो बेसिकली ऐसे ही है, लेकिन सच्चाई शायद ये होगी। लाल सर, डॉक्टर लाल सर बाहर कहीं रहने लगी और कहीं भिक्षुओं के साथ रहती थी, बहुत भिक्षुओं के साथ, तो बच्चे का लालन पालन ऐसे ही हुआ था। भरत जी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल देना। भरत जी नंबर चैट बॉक्स में। जी सर, ओके सर। जय भगवान जाटव सर, उनका भी मार्गदर्शन लीजिए। टाइम हो गया 11 बज गए भाई, ये तो 11:05 हो गए। प्रयाग जी 5 हो गए, 11 बजे बंद करना होता है हमें। दो चार मिनट दे दो प्रयाग जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, मेरे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना, हमें मिलेगा। सर कहाँ गए जाटव साहब? आदरणीय उनकी आवाज म्यूट करवाइए पहले तो। अनम्यूट करें। जय भगवान जाटव जी सर आए। जी जी, आप मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, बिल्कुल। मेरा सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। जो बातें मैं सुन रहा हूं, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, क्योंकि मैं मुझे अपनी लाइफ के अंदर ये सब पढ़ने का, किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैंने 45 साल पहले शादी की थी, तो भी बहुत धृति से ही की थी, और उस दिन के बाद आज तक मेरे घर में जितनी भी शादियां या कोई भी फंक्शन त्यौहार कुछ भी होता हो, वो तो सब बौद्ध रीति से ही सारा संपन्न होता है। मैं मुझे इस बात का दुख है कि मैं किताबें वगैरह नहीं पढ़ पाया, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं बैठता हूँ पढ़ने तो 10-5 मिनट पढ़ा और बस उसके बाद रात को नींद फिर आ जाती है 12-1 बजे के बाद। तो मैं इस सब लोगों की बातें सुन करके मुझे भी ये ज्ञान मिल रहा है, काफ़ी कुछ मैं सीख रहा हूँ। मैंने तो इतना सीखा है कि बाबा साहब की वजह से हम हैं आज जिस हालत में हैं, इतनी अच्छी हालत में हम बाबा साहब और भगवान बुद्ध की वजह से हैं, नहीं तो हम लोग कहाँ होते ये हम समझ ही नहीं सकते। जो हालात से हम गुजरे हैं, जो समाज हमारा हजारों साल से जिस तरह से मुसीबतें झेलता हुआ किस तरह से अभी तक जिंदा रहा है, मैं उसके लिए जो बाबा साहब की मेहनत है, भगवान बुद्ध को रास्ता उन्होंने हमें दिखाया, हम उसको मानते हैं, चलते हैं। और अंधविश्वास से हम लोगों ने बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया है। हमारे यहाँ भी किसी तरह का कोई इस तरह का हिंदू रीति से कोई भी फंक्शन मीटिंग कुछ भी नहीं होता है। जीने से पैदा होने से लेके मरने तक हर कार्यक्रम हमारा बौद्ध रीति से ही होता है। और बाबा साहब का फोटो हमारे घर में दो ही फोटो मिलेंगे, बाबा साहब का और भगवान बुद्ध का, और किसी के। और भगवान बुद्ध के तो कम से कम इतने हमारे पास में गिफ्ट आते रहते हैं और गिफ्ट सारे घर में लगे हुए हैं। कभी आप लोग को किसी को मौका मिल जाए तो टाइम दें, मैं आपको स्वागत करूँगा अपने घर में बुला करके, मुझे खुशी होगी। तो मैं मुझे जितनी बातों की जानकारी हो रही है मैं सब नोट करता हूँ कि ये इस तरह की जानकारी मुझे क्यों नहीं रही पहले, क्योंकि मुझे पढ़ने का मौका नहीं। मेरे पास कम से कम मैंने 3.5 लाख रुपए किताबें खरीदी और सब उठा उठा के ले जाते हैं पढ़ते हैं, पर मैं ही नहीं पढ़ पाया कोई किताब, इसका मुझे दुख है। जो मैं अपनी समुद्र के पास प्यास रह गया ना, तो मैं किताब आपके घर में रहे लिखा है, आप सच कह रहे हैं आपके घर में बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए डॉक्टर लाल सिंह जी ने चलो मेरी गवाही दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच गए आपके घर में, डॉक्टर साहब ने बचा लिया आपको। और मैं आज ये मानता हूँ कि मैं दो रोटी जो अच्छी खा रहा हूँ वो भगवान बुद्ध की वजह से, बाबा साहब के
मेहनत से उनके लिए उन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका ही हम फल भोग रहे हैं। मेरा ये अनुरोध है सभी साथियों से कि जो भी उनके फल भोग रहे हैं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं भोग रहा हो, लेकिन कई कई आदमी नालायक निकलते हैं, हमारा बहुत झगड़ा मारपीट तक भी हो जाती है, कई बार ऐसे हालात बने जबकि मैं कभी किसी से लड़ता नहीं हूँ, लेकिन एक बार एक आदमी ने बोला बाबा साहब के लिए गाली दी, और गाली दे के बोला कि वो गाली मैं देना नहीं चाहता इसके ऊपर उसने किया, तो मैंने तुरंत उसके छाती में टक्कर मारी और झगड़ा हुआ, हम शादी में मिल गए, वहाँ वो बदतमीजी कर रहे थे, गालियाँ दे रहे थे बाबा साहब को, तो हमने कहा हरामजा जो तो मतलब बहुत माँ से बहन से जो भी कह सकते थे वहाँ झगड़ा हुआ, झगड़ा हो करके हमने कहा या तो शादी में ये रहेंगे या हम रहेंगे, अभी इनको भेजो तो भेज दो नहीं तो, तो उन्होंने उसको हाथ जोड़ जाइए, और वो आदमी छोटा नहीं था बड़ा आदमी था जिसको हम हमारा दोस्त भी था पहले से, लेकिन ऐसे ऐसे नालायक अभी आदमी हैं जो आदमी सब कुछ बाबा साहब की वजह से हैं, लेकिन वो लोग कहते हैं क्या कर दिया बाबा साहब ने, क्या किया हमारे लिए, हमने अरे मेगा ये कपड़े वेरे खड़ा है ये बाबा साहब की वजह से है, नहीं तो साला लंगोटी होती तुम्हारे शरीर पे, तो यहाँ इस तरह का सब है, लेकिन प्रचार प्रसार अच्छा हमारा चल रहा है, सबको ज्ञान हो गया है बाबा साहब के बारे में, अच्छी तरह से सब लोग जान गए हैं, भगवान बुद्ध के बारे में भी जान गए, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय बचा है, बहुत जल्दी से हमारा देश बुद्धमय होने वाला है, ये मैंने देखा हर घरों में जो बड़े बड़े घर हैं, जो चाहे वो किसी भी जाति धर्म का आदमी हो, मैंने देखा है कि ज्यादातर के घर में भगवान बुद्ध की मूर्तियां आ चुकी हैं और वो भगवान बुद्ध को मानते हैं, ये मैं उन लोगों की बता रहा हूँ जो हमारे समाज के नहीं है, बड़े बड़े लोगों के घर में भी रखी है, है जी बड़े बड़े हाँ। जाना जाना नहीं है ना बुद्ध को, वो सब मूर्तियां तो खरीद लाते हैं बाजार से, हाथ उनकी देख के भी चलो शांति का प्रतीक है, और उन्होंने जाना नहीं है, सब वैसे ही बात कर रहे हैं, ये बात सही है, ये बात सही है, वो विष्णु का अवतार मानते हैं बुद्ध को भी, इसलिए वो अपने घर में ले जाते हैं, लेकिन एक मामला खुल के तो आ रहा है ना कि भगवान बुद्ध को लोगों ने घर में बैठाया तो है, इस धीरे धीरे वो समझेंगे ये किसकी मूर्ति है, क्यों है, बच्चे भी समझेंगे, सब लोग जानेंगे, क्योंकि ये धर्म एकदम कोई भी ठीक है कोई बात नहीं, पर जनरल का है ना मान, लेकिन बढ़ रहे हैं कम बहुत धीरे उस पे चल, मैं बस एक शब्द और कहना चाहता था, मैं ये कहना चाहता हूँ इस चर्चा के साथ में ये भी जोड़ा जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम कर क्या रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, कितना टाइम डेली देते हैं हम, 2 घंटे भी देते हैं क्या समाज के लिए, जो आदमी समाज के लिए 2 घंटे भी नहीं देता उसका हम क्या करें, उसको भी तो लाइन पे लाना है, जो नहीं दे रहे उन पे चर्चा करने का कोई हुआ नहीं, हम लगे हुए बस यही, हाँ उनको उनको भी, हाँ मेरा यही रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे उनको भी लाइन पे लाया जाए कि भाई समाज के लिए जहां से इतना तुम्हें मिला है तो अब तुम लोगों की ड्यूटी है कि समाज के लिए कुछ करो, हमसे नीचे पायदान पर बहुत लोग खड़े हैं, हमारे समाज के खड़े हैं, तो हमारे समाज के इतने आदमी जो नीचे पड़े हैं बेचारे, उनको भी तो उठाने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं, कुछ प्रोग्राम, कुछ ऐसा चल सकता है, सारी चीजें हम सरकार की तरफ देखें, वही करेंगे, अरे वो तो करेंगे नहीं, वो क्यों करेंगे, लेकिन जो हम कर सकते हैं आपस में मिल करके एक दूसरे की मदद से, जैसे मैं कई बार कहता रहा कि हमारा 80% आदमी अनएजुकेटेड है, कुछ नहीं जानता, 12वीं पास भी नहीं कर पाए, 80% ऐसे आदमी हैं, तो हम लोगों को शिक्षा की तरफ ध्यान दे करके 2 घंटे उन बच्चों पर लगाना चाहिए, पढ़ाने पर लगाना चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अलावा पहला रास्ता मुझे यही दिखाई देता है, दूसरा रास्ता आर्थिक है, आर्थिक तो बाद की बात है, पहले एजुकेशन तो लें, तो मेरा सभी जो मेरे साथी आज के इस मीटिंग में सुन रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो लोग अपना 2 घंटे पहला रास्ता, पहला रास्ता यूनाइट होना है, जुड़े और जुड़ना, बाकी सेकंड रास्ते हैं, फर्स्ट है यूनाइट होना, इकट्ठे होना, पढ़ाई साथ ये तो, और एजुकेशन चल रही है जो सब कर रहे हैं ये काम, तो नहीं चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई अपने हिसाब से सब करते हैं, हम भी करते हैं, नहीं अच्छी बात है, आप स्वागत योग्य हैं, अच्छी बात है, जो भी कर रहे हैं वो स्वागत योग्य है। सबसे पहला जो हम भूल रहे थे वो संघ का रास्ता यूनाइट होने का है, संघ को भूल रहे थे, उस संघ को याद कराना है सबको, नहीं वो रास्ता तो, हमारे लिए हाँ,
अभी नहीं, ये तो जरूरी है, ये भी चलना, ये तो पहले ही चलना चाहिए। इसके साथ साथ जब लोग जुड़ जाएं, मिल जाएं, आगे बढ़े तो दूसरे को भी कुछ समय सामाजिक काम करने के लिए देना चाहिए, क्योंकि लाइफ एक छोटी सी लाइफ मिलती है, इसमें यदि हम लोग इधर उधर की में चले जाएंगे तो हमें काम भी करना चाहिए, उन लोगों के लिए करना चाहिए जो बहुत पीछे छूट गए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग का बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलो टाइम हो गया, 15 मिनट फालतू हो गए, सबको धमरात्रि करते हैं। 11 बजे तक कोशिश करो सब भाई 11 बजे फ्री हो जाएं। चलो सब कोई नहीं, अच्छा है, कभी कभी ऐसे हो जाना चाहिए, 5-10 मिनट। सर जी, धमरात है सर, धमरात। हेलो, संचालक महोदय से एक बात पूछना चाह रहा था मुझे। बोले 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 वर्मा जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग बीच में डिस्टरबेंस होते हैं जी, तो जो संचालक है जो डिस्टर्ब करता है तो उसको ही क्यों नहीं म्यूट कर देता, सबको ही मतलब म्यूट क्यों करते हैं? सर वो विजय वर्मा जी, आप सभी ये आपको भी कॉस्ट बढ़ा देते हैं, ये हर तरह के लोग हैं इसमें, हम कोई इतने एक मिनट सुनो, इसको इतना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए जरूरत है, वो ढूंढना पड़ता है, उसको ढूंढना पड़ता है कौन क्या कर रहा है, तो आसान होता है कि सबको करके फटाफट उसको कर लेते हैं, चार लोग बोल लो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, चार लोग बोल रहे हैं तो नहीं। मैंने टेक्निकल सवाल पूछा था कि सबको, हाँ टेक्निकली बता रहे हैं, मैं जैसे यहाँ 2-3 बोल रहे हो तो मुझे उन तक जाने में, जैसे मैं ही हूँ, कोई भी है होस्ट है कई, और कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं, वो टाइम लग जाता है कई बार, देखो किधर गया, कहाँ से आवाज आई, और फिर उस इससे अच्छा फिर जब जरूरी हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, फिर वो सबको म्यूट करके फिर कहते भी आप बोल बोल लो। हेलो, ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। सत्य प्रकाश अंकल जी, जय भीम, मैं ना सीएंस बात कर रहा हूँ, सुधीर राज सिंह जी का बेटा जी, तो जी। ये ना मैंने ना आपको होस्ट बना दिया है, तो मैं ना ये लैपटॉप से ना मीटिंग रिमूव कर रहा हूँ, तो आप कर सकते हो, मैं कर दूंगा दम राधे दम राधे दम राधे। चलिए चलिए, मैंने टेक्निकल सवाल पूछा था, बताओ। दम रात्रि सभी को, सभी को दम रात्रि, दम रात्रि। सोने से पूर्व 5 मिनट खाना पान जरूर करें, जागने से के बाद, सोने से पूर्व 5 मिनट आनापान, वो आनापान जो जागने के बाद, जागने के बाद 5-10 मिनट आनापान जी। ठीक है गौतम साहब।